हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीएसएस दिव्या अग्रवाल. वेलकम टू अनदर लाइव सेशन एट एमईपीएल लिमिटेड. ओके, सो ये वाला जो आज का लाइव सेशन है बीसीके का, जिसमें चैप्टर नंबर 3 का आज थर्ड क्लास पढ़ाया जाएगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड एंड लास्ट फाइनल क्लास. ये भी ओपन सेशन क्लास है, यानी इसमें कोई भी स्टूडेंट जो कि परस्यू कर रहे सीए फाउंडेशन, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल. लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि इसके बाद से जो मंडे को हम लोग का इकोनॉमिक्स का क्लासेस चालू होने वाला है, ऑब्वियसली जो कि मैं लेने वाली हूँ, इकोनॉमिक्स का जो लाइव बैचेस चालू होने वाला है नवंबर टर्म के लिए, नवंबर 2020 टर्म के लिए, उसके लिए जो सिर्फ एनरोल्ड बच्चे हमारे यहाँ, खाली वो ही उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे. रिपीटिंग इट अगेन, दोज इकोनॉमिक्स क्लासेस दैट गोइंग टू कमेंस इन द नेक्स्ट वीक इज ओनली मेंट फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी एनरोल्ड हियर एट एमईपीएल लिमिटेड, एंड दीज क्लासेस विल नॉट बी एन ओपन लाइव क्लास लाइक द अदर क्लासेस ऑफ बीसीके दैट वॉज कंडक्टेड हियर. ऑलराइट, तो आप लोग मेक श्योर करिए कि जितना जल्दी हो सके एडमिशन ले लो, ताकि आप मंडे से जो है मेरा लाइव ऑनलाइन इकोनॉमिक्स का क्लासेस आप स्टार्ट कर सको. और रहा बात अगर आपको फीस पेमेंट का प्रॉब्लम लग रहा है कि फीस कैसे दे बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक सिचुएशन दैट हैज गॉट स्प्रेड, यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन पेमेंट ऑफ द फीस, देन वी आर देयर टू हेल्प यू आउट इन दिस सिचुएशन. यू कैन पे योर फीस स्ट्रक्चर इन टू इंस्टॉलमेंट. आप अपना फीस को दो इंस्टॉलमेंट में बांट सकते हो. पहला इंस्टॉलमेंट आप अभी करेंटली दे दो और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है आप विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स दे सकते हो. ठीक है, तो इसका भी आपको दुविधा नहीं होना चाहिए. और आप दोस्तों फीस के बारे में मत सोचिए, आप ये सोचिए कि यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी टीचिंग मिल रहा है आपको बेस्ट फैकल्टीज से. ठीक है, और यहाँ पे भी देख रहे हो आप मोहित सर जो है खुद लाइव लॉ और अकाउंट्स का क्लासेस लेंगे. ऐसा नहीं है कि वो अपने नाम पे एडमिशन सिर्फ ले रहे हैं, अपना गुडविल के बेसिस पे एडमिशन लिया जा रहा है यहाँ पे. वो खुद एज अ फैकल्टी मेंबर पढ़ाते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ एंड अकाउंटेंसी. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो गो बाय द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, बाय द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड बाय द क्वालिटी ऑफ मोहित अग्रवाल्स लेक्चर. यू ऑलरेडी मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, तो मेरे को उसका बोलने का दरकार नहीं है. आप लोग क्लासेस भी देखे होंगे, यूट्यूब में नहीं देखे हो तो देखो अभी जाके तुरंत. तो वट एवर द केस इज, जो भी है अभी ये जो ओपन लाइव सेशन है ये मंडे से जो है क्लोज होने वाला है, और खाली इकोनॉमिक्स का जो लाइव बैचेस मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एमडब्ल्यूएफ बैच का, दैट विल बी ओनली फॉर आवर एनरोल स्टूडेंट. तो आप एडमिशन नहीं लियो तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज जल्दी जल्दी आप एडमिशन ले लो. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट वीक के क्लासेस के बारे में बात. अब हम लोग जो है आज का करंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, सो फटाफट आ जाओ मेरे संग सबको ही. सो आई विल बी स्टार्टिंग द क्लास, कम ऑन क्विकली ज्वाइन. आई होप कि आप लोग जो लास्ट 2 क्लासेस हम मैंने पढ़ाया था उसका आप लोग अच्छे से रिवीजन कर चुके हो और आपको अच्छे से मेमोराइज हो चुका है सारा डेटा. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी सेड यू अर्लियर ऑल्सो दैट दिस चैप्टर इज रियली वेरी टफ इफ यू आर नॉट गोइंग टू अटेंड द लेक्चर्स, इफ यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो द नोट्स. बट ट्रस्ट मी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरा सारा लेक्चर अटेंटिवली सुन रहे हो और नोट्स को पढ़ रहे हो तो ये वाला चैप्टर ऐसा है कि आप एग्जाम तक नहीं भूलोगे. ठीक है, तो मेरे साथ साथ ये वाला लर्न कर लो, घर में रिविजन कर लो, एंड आई अश्योर यू कि ये चैप्टर आप एग्जाम तक नहीं भूलोगे. ठीक है, अच्छा बहुत स्टूडेंट्स के मन में दुविधा है कि अगर मेरा पहला 2 क्लास मिस है तो हम क्या करें. कुछ नहीं, ये क्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस 2 क्लासेस. अगेन विल बी डिस्कसिंग द रिमेनिंग कंपनीज लेफ्ट आउट, एंड जो आज का जो कंपनीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारे इंडियन कंपनीज ही है और उसका कोई कोरिलेशन नहीं है व्हाटसोएवर विद द प्रीवियस 2 क्लासेस दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. ओके, तो अगर आपका पहला 2 क्लास नहीं भी किया हुआ है चिंता का कोई बात नहीं है, आज जो हम लोग करेंगे उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, आप पूरा फॉलो कर पाओगे अच्छे से. अच्छा, और एक चीज, पहला 2 क्लास नहीं किया हुआ है तो कैसे करें, अब उसका आप लोग ऑलरेडी देखोगे यूट्यूब में लेक्चर अपलोड किया हुआ है तो आप वहां से कर लो. ठीक है, तो चैप्टर 3 के प्रति तो आपको डरने का कोई दरकार ही नहीं है. ऑल राइट, चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे इन अ शॉर्ट वाइल. ऑल राइट, सो कैन वी स्टार्ट विद द रिकॉर्डिंग. चलो, सॉरी आई मीन द लाइव क्लास. ऑल राइट, चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं वेरी क्विकली. तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड से. ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो क्या चीज है, कोल इंडिया लिमिटेड. ऑल राइट, कोल इंडिया लिमिटेड. अच्छा, डू आई नीड टू डिस्कस कोल इंडिया लिमिटेड का प्रोडक्ट डोमेन क्या है, नाम में ही लिखा हुआ है ना, कोल प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, सो कोल प्रोडक्शन एक्सप्लोरेशन टेक्निकल सपोर्ट एटसेट्रा ऑफ कोल इन इंडिया इज बिंग डन बाई कोल इंडिया लिमिटेड. एंड यू नो दिस कंपनी बिंग एन इंडियन कंपनी इज वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर. ये खाली इंडिया का ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है ये कंपनी. ठीक है, तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है बिंग एन इंडियन कंपनी ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है. ऑलराइट, तो क्या ये इंडियन कंपनी है? हाँ बिल्कुल इंडियन कंपनी है इसका. अब हम लोग करेंगे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन.
इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज 1975. इन विच ईयर वॉज कोल इंडिया इनकॉर्पोरेटेड? इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1975. ठीक है. अच्छा, और एक चीज, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? कोलकाता में. इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? हेड ऑफिस इज इन कोलकाता. ठीक है. अच्छा, अब कैसे याद रहेगा कोलकाता? कोल कोलकाता. कोलकाता को हम लोग प्यार से शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कॉल कॉल बोलते हैं ना, कॉल आए कॉल जाए. ठीक है, तो वैसे कोल कोल याद रहेगा, कोल कोलकाता. ठीक है, तो कोल इंडिया लिमिटेड का हेड ऑफिस कहाँ पे है? कोलकाता में है. इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? 1975. ओके, और क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? हाँ, ये गवर्नमेंट कंपनी है. तो इसका जो फाउंडेशन था, दैट वाज आल्सो लेड बाय द गवर्नमेंट किया. बट इसका प्रेजेंट सीएमडी और चेयरमैन, यू कैन से, कौन है इस कंपनी का प्रेजेंट सीएमडी? मिस्टर अनिल कुमार झा. ठीक है, और फाउंडर तो क्या हो गया? गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है. तो चलो लर्न कर लो मेरे संग, एकदम इजी है. कोल इंडिया लिमिटेड क्या प्रोड्यूस करेगा? कोल करेगा. क्या ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है? हाँ बिल्कुल. क्या ये इंडियन कंपनी है? हाँ. डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसका क्या है? 1975. इसका हेड ऑफिस कहाँ पे? कोलकाता इंडिया में है. इसका प्रेजेंट सीएमडी कौन है? मिस्टर अनिल कुमार झा. क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, ये तो हम लोग का क्लियर है. इसके अलावा तुमको शॉक्ड हो गए जान के कि इंडिया में और भी कंपनी कोल प्रोड्यूस करते हैं. तो ऑफ द टोटल कोल प्रोडक्शन इन इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स 84% ऑफ द वॉल्यूम. तो 84% ऑफ द टोटल कोल प्रोडक्शन इन इंडिया इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई कोल इंडिया लिमिटेड. ठीक है, तो 84% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोल बींग प्रोड्यूस इन इंडिया इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई आवर कोल इंडिया लिमिटेड. क्लियर है यहां तक? अच्छा, कोल इंडिया लिमिटेड का जो है होली एंड ओन सब्सिडरी कंपनीज भी है. इसका 8 ओन्ड होली ओन सब्सिडरी कंपनीज है. एकदम ईजी है, कुछ नहीं है. लाइक आई विल गिव यू सम नेम. इट्स NCL, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड. ठीक है, महानगर कोलफील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड. तो इस तरह से करके बहुत सारा नाम है. ऑल राइट, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड. ठीक है, तो सारा जितना भी कोलफील्ड लिमिटेड बोलकर कुछ भी एंड होगा, वो कौन है? होली ओन सब्सिडरीज है कोल इंडिया लिमिटेड का. तो टोटल इसका कितना होली ओन सब्सिडरीज है? 8 होली ओन सब्सिडरीज नेम्ड एज योर महानदी कोल लिमिटेड, नेशनल कोल लिमिटेड, कोलफील्ड लिमिटेड, फिर उसके बाद ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड. इस तरह से करके जो है इसका बहुत सारा सब्सिडरी कंपनीज है. ऑल राइट, तो एग्जाम में पूछ सकता है ना कि क्या कोल इंडिया लिमिटेड का जो है कितना सब्सिडरी है. इसका आंसर क्या होगा? 8 होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज. देख लो अच्छे से, यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कोल इंडिया लिमिटेड. फोर्ब्स में इसका रैंकिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कंपनी है इसलिए लर्न कर लो. 583 फोर्ब्स में इसका रैंकिंग कितना है? वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन 583. तो एक बार अच्छे से कोल इंडिया लिमिटेड को हम लोग रिकैपिचुलेट करते हैं. कोल इंडिया लिमिटेड जो है 1975 में फॉर्म हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ओन करता है. ठीक है, फिर उसके बाद इसका प्रेजेंट सीएमडी कौन है? प्रेजेंट सीएमडी का नाम है मिस्टर अनिल कुमार झा. वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है. हाउएवर 84% जो कोल का वॉल्यूम है वो यहाँ पे तुम्हारा इंडिया में कोल इंडिया लिमिटेड जो है प्रोड्यूस करता है. इसका 8 होली ओन सब्सिडरीज है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और फिर उसके बाद और एक चीज हम लोग पढ़े कि इसका जो 8 होली ओन सब्सिडरीज है उसमें क्या क्या नाम आता है? NCL, MCL, ये CLCL क्या? कोलफील्ड लिमिटेड एंड नॉर्दर्न, महानगर, ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, वेस्टर्न. ऑल राइट, नेशनल. तो पूरा अच्छे से जो है लर्न कर लो एक बार अच्छे से, चेक इट आउट. और फोर्ब्स में इसका रैंकिंग कितना है? 583. ठीक है, और ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है ये दो जॉइंट वेंचर भी अंडरटेक किया था. इट हैज अंडरटेकन टू जॉइंट वेंचर्स. ठीक है, और इट हैज रिमेन्ड फॉर बिजनेस इन न्यूज रिसेंटली इन द बिजनेस बिकॉज इन 2019 इट वोन CSR अवार्ड. ठीक है, फॉर रूरल डेवलपमेंट, फॉर रूरल डेवलपमेंट. ओके, फॉर रूरल, फॉर एक्सीलेंस इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो इसको CSR अवार्ड भी मिला है. CSR मतलब कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. लास्ट क्लास भी हम पढ़ाए थे कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप लोग का जो CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी. ओके, सो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका, इसको इसके लिए अवार्ड भी दिया गया है 2019 में. क्या चीज के लिए? क्योंकि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था. तो एक बार अच्छे से कोल इंडिया लिमिटेड देख लो फटाफट. एंड इसका हेड ऑफिस कोल फॉर कोलकाता. सो वेरी क्विकली रिवाइज द एंटायर डेटा, आई एम वेटिंग फॉर यू. जल्दी जल्दी देख लो एक बार अच्छे से. ठीक है, एंड दिस कंप्लीट्स योर कोल इंडिया लिमिटेड.
अगेन रिपीटिंग इट, ये जो लाइव सेशन आज हम लोग अभी ले रहे हैं ये लास्ट ओपन लाइव सेशन है. इसके बाद लाइव सेशंस विल बी क्लोज्ड. लाइव सेशंस विल बी कंडक्टेड बट इन अ क्लोज फॉर्मेट. ठीक है, दैट विल बी ओनली फॉर द एनरोल्ड स्टूडेंट्स एंड विल बी गेटिंग द लिंक ऑन योर ईमेल और मैसेजेस ऑफ द क्लासेस. लर्न कर लो फटाफट वेरी क्विकली. चले, आर वी थ्रू विद दिस क्लास दिस कंपनी? ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट कंपनी में चलते हैं वेरी क्विकली. ओके, सो द नेक्स्ट कंपनी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अगेन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी. फार्मास्यूटिकल कंपनी से मेरे को कुछ याद आ रहा है, आप लोगों को कुछ याद आया क्या? आई एम वेटिंग फॉर यू, टेल मी. फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम सुनकर आप लोगों को कुछ याद आया? हम लोग लास्ट क्लास भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम पढ़े थे. केयरिंग फॉर लाइफ इज द स्लोगन ऑफ विच कंपनी? टेल मी. यस, सिप्ला. ठीक है, सिप्ला के लिए हम लोग पढ़े थे ना. ओके, वाई के हमीद, याद है? वाई के हमीद, यूसुफ ख्वाजा हमीद. ओके, और फिर उसके बाद ये भी हम लोग की थे, उसको थॉमसन रॉयटर्स इनोवेशन अवार्ड मिला था कैंसर का ड्रग्स को डिस्कवर करने के लिए. ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज. ठीक है, ये भी नाम आप लोग का सुना हुआ होगा, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, बिकॉज इट जनरली स्पेशलाइजेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर डर्मेटोलॉजिकल मेडिसिन एंड योर एलर्जी मेडिसिन, स्किन रिलेटेड एलर्जीज का मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी के लिए पेन मेडिसिन, एलर्जीज के लिए इस टाइप का मेडिसिन ही ज्यादा बनाता है. ठीक है, तो डर्मेटोलॉजी एंड स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, स्किन एलर्जीज, रैशेज और एनीथिंग, हेयर लॉस, ये सब के लिए मेडिसिन बनाता है. फिर उसके अलावा ये किसके लिए मेडिसिन बनाता है? पेन के लिए. तो डर्मेटोलॉजी, पेन, गायनेकोलॉजी देन, इसके लिए ज्यादा फेमस है डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी. नाम से आप लोग को लग रहा होगा रेड्डी साउथ इंडियन नाम है कि नहीं, तो इसका जो हेड ऑफिस है गेस करोगे कहाँ पे? तेलंगाना. ठीक है, कहाँ पे है? तेलंगाना, हैदराबाद. सो वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी सिचुएटेड? इट्स इन हैदराबाद. ऑलराइट, द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज 1984. व्हाट इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? 1984. और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे? हैदराबाद में. ठीक है, तो वापस से बोलो, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी कैसा कंपनी है? क्या वो इंडियन कंपनी है? हाँ, ऐसे भी हम बोल चुके हैं, सारा इंडियन कंपनी डिस्कस होने वाला है बिकॉज वी आर थ्रू विद द ग्लोबल कंपनीज. ठीक है, इंडियन कंपनीज है. इसका हेड ऑफिस कहाँ पे? हैदराबाद में, तेलंगाना, हैदराबाद. और इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कितना है? 1984. ठीक है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1984. इट वॉज फाउंडेड बाई, द नेम इटसेल्फ सेज द नेम ऑफ द फाउंडर, द कंपनीज नेम इटसेल्फ सेज द नेम ऑफ द फाउंडर. कैन यू गेस इट? रेड्डी. ठीक है, पूरा नाम है अंजी रेड्डी. फाउंडर का नाम क्या है बता दो? अंजी रेड्डी. ऑल्दो आपके बुक्स में सिर्फ डॉक्टर रेड्डी लिखा हुआ है, बट आई एम टीचिंग यू हियर द फुल नेम, अंजी रेड्डी. ठीक है, और इसका जो प्रेजेंट चेयरमैन है उसका नाम क्या है? कलाम सतीश रेड्डी. ठीक है, कलाम अब्दुल कलाम इज नो लॉन्गर विद अस. ठीक है, ओके, तो आपको नाम से तो याद आई जाएगा ना, चेयरमैन कलाम सतीश रेड्डी. वो अब्दुल कलाम वाज अ डिफरेंट पर्सन ऑब्वियसली. ठीक है, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द चेयरमैन, करंट चेयरमैन ऑफ डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी. हम तो खाली रिलेट किए कि आपको नाम याद रहे, कलाम सतीश रेड्डी, फाउंडर रेड्डी. अगर आपको ज्यादा डिटेल्स में नाम जाना है, इट्स अंजी रेड्डी. डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? 1984. हेड ऑफिस इसका कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद. इज इट एन इंडियन कंपनी? यस, इट इज एन इंडियन कंपनी. इसका डोमेन बताओगे, प्रोडक्ट डोमेन क्या क्या ये सेल करता है? मेडिसिन सेल करता है. क्या क्या फील्ड में सेल करता है मेडिसिन? ये डर्मेटोलॉजी, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गायनोकोलॉजी, एलर्जी, पेन एटसेट्रा. ठीक है, तो ये हो गया मेरा डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज के बारे में, अच्छे से एक बार देख लो. अच्छा, इसके अलावा अभी हम लोग दो तीन चीज को और पढ़ेंगे जिसके लिए न्यूज में रहा था, बहुत ही फेमस रहा. हैव यू हर्ड अबाउट द ब्रांड नेम नॉरिलेट मेडिसिन का नाम? नॉरिलेट ब्रांड का नाम सुने हो? तो ये जो नॉरिलेट ब्रांड है ये डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज का ही ब्रांड है. एंड यू नो इट इज द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड ऑफ इंडियन मेडिसिन दैट वाज लॉन्च्ड बाय डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी. और नॉरिलेट ब्रांड लॉन्च करने के बाद ही डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया. ठीक है, तो आप रेनबैक्सी, ग्लैक्सो ये सब का नाम सुने होंगे ना, वैसे नॉरिलेट ब्रांड भी है. और उसके बाद ही जो है डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी इज इंडियाज थर्ड लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी आफ्टर रेनबैक्सी एंड ग्लैक्सो. डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज जो है थर्ड लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गया आफ्टर रेनबैक्सी एंड ग्लैक्सो आफ्टर लॉन्चिंग दिस ब्रांड ऑफ मेडिसिन नेम्ड बाय नॉरिलेट. तो ये ब्रांड नेम नॉरिलेट एग्जाम में पूछ सकता है
किस फार्मास्यूटिकल कंपनी का है? सो ये जो नॉरिलेट ब्रांड है किस फार्मास्यूटिकल कंपनी का? डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज का है, ठीक है, सिप्ला का नहीं है। नॉरिलेट हैज बीन लॉन्च बाय डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी एंड बिकॉज आफ्टर लॉन्चिंग दिस नॉरिलेट ब्रांड इट बिकेम वेरी फेमस एंड अनाउंस्ड इट बिकेम इंडियाज लीडिंग थर्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, आफ्टर इंडक्सी एंड ग्लैक्सो। लर्न कर लो अच्छे से यहाँ तक। एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो कि डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज में पढ़ाएंगे, देख लो एक बार अच्छे से। हैदराबाद तेलंगाना 1984, अंजी रेड्डी कलाम सतीश रेड्डी इंडियन कंपनी, थर्ड लीडिंग मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, नॉरिलेट ब्रांड लॉन्च्ड बाय डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, ठीक है। ये और एक ग्लोबल कंपनी को एक्वायर किया था जिसके बाद इसका बहुत नाम हुआ। द नेम ऑफ दैट कंपनी इज अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड। इट ऑल्सो एक्वायर्ड अ रेनाउंड कंपनी ऑफ मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी नेम्ड बाय अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड। और अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड को एक्वायर करने के बाद ये और भी ज्यादा फेमस बन गया, ठीक है। और अभी रिसेंटली 2019 में ये फर्दर यूएस के संग एग्रीमेंट में आया है फॉर लॉन्चिंग 42 अप्रूव्ड नॉन मार्केटेड ड्रग्स मेडिसिन, ठीक है। तो अभी एप्लीकेशन साइन किया विद यूएस अगेन फॉर लॉन्चिंग दिस 42 अप्रूव्ड नॉन मार्केटिंग ड्रग्स, ठीक है, नॉन मार्केटेड एब्रीविएटेड ड्रग्स। लर्न कर लो अच्छे से यहाँ तक। फॉर विच इट हैज रिसेंटली बीन इन द न्यूज, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, प्लीज हैव अ लुक। अभी हम लोग और एक कंपनी डिस्कस करने वाले जिसका भी आई हैव सिलेक्टेड द कंपनीज इन सच अ मैनर सो दैट यू कैन रिलेट ऑल द थिंग्स विद देम। अभी जब जो नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करने वाले उसका भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सेम एज ऑफ दैट डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी, दैट इज 1984, ठीक है, करेंगे अभी हम लोग। पहले पूरा यहाँ तक एक बार अच्छे से देख लो, लर्न इट प्लीज। Very quickly have a look. Ho gaya learn? Chalo, moving on to the next company. The next company that we are going to discuss is your गेल, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट कंपनी? गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये जो गेल है इसके बारे में भी आपने सुना होगा, अगेन द नेम इटसेल्फ सजेस्ट। इसका प्रोडक्ट डोमेन क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ गैस, एक्सप्रेशन ऑफ गैस, नेचुरल गैस, देन योर हाइड्रोकार्बन, गेल टेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो गेल है इसका मेरे को क्या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताना है? आप लोग खुद बताइए। अभी मैंने बोला था जस्ट सेम है 1984। क्या प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी हेड ऑफिस भी सेम है? बिल्कुल नहीं। गेल का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, ठीक है। गेल का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। इसका डेट क्या है? 1984। क्या ये इंडियन कंपनी है? हाँ बिल्कुल, ये भी इंडियन कंपनी है। सो अगेन इसका भी फाउंडर कौन है? पता होगा, इट्स एन गवर्नमेंट कंपनी, फाउंडर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, फाउंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जनरली गवर्नमेंट कंपनी का हम लोग को सीएमडी करना है, ठीक है, यू कैन ऑल्सो कॉल इट द चेयरमैन, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो जो सीएमडी है गेल का, सीएमडी कौन है? आशुतोष। कर्नाटक, आशुतोष कर्नाटक, ठीक है। तो वहां से मेरे को लर्न करवा दो फटाफट वेरी क्विकली। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल लिमिटेड जो है इट्स एन गवर्नमेंट कंपनी, इट्स एन इंडियन कंपनी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1984, हेड ऑफिस सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली इंडिया। क्या करता है? वही प्रोडक्शन ऑफ योर नेचुरल गैस, हाइड्रोकार्बन, फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, गेल टेल एटसेट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका सीएमडी, प्रेजेंट सीएमडी कौन है? आशुतोष कर्नाटक। लर्न कर लो फटाफट यहाँ तक वेरी क्विकली। इसके बाद हम लोग इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का डिस्कशन करेंगे, फॉर विच गेल हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली, कुछ दिन पहले, ठीक है। चलो सबसे पहला पॉइंट, गेल कंपनी का 3 सब्सिडरीज है, इट हैज गॉट 3 सब्सिडरी कंपनीज, ठीक है। ये तीनों सब्सिडरी का नाम इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, पूछेगा इसमें से बताओ गेल का सब्सिडरी कौन सा नहीं है। तो पहला तो एकदम ही ईजी है, इसका प्रोडक्ट का नाम बताओ क्या है, गेल क्या प्रोड्यूस करता है? गैस, तो गेल
गैस लिमिटेड। पहला सब्सिडियरी का नाम क्या हो गया, गेल गैस लिमिटेड। दूसरा सब्सिडियरी का नाम और भी बहुत इजी है, ग्लोबल लेवल में भी है ना, तो गेल सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर में है इसलिए गेल ग्लोबल सिंगापुर, एक सब्सिडियरी हो गया। थर्ड सब्सिडियरी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर्स। लर्न इट, ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर्स, लर्न इट। गेल का तीन सब्सिडरीज है, वेरी इजी। गेल गैस लिमिटेड, गेल सिंगापुर ग्लोबल पीटीई लिमिटेड, ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर्स लिमिटेड। लर्न इट वेरी क्विकली, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आते हैं वाला क्वेश्चन। ठीक है, लर्न हो गया, वापस से बोलो, गेल गैस लिमिटेड, ब्रह्मपुत्र पॉलीमर एंड क्रैकर्स लिमिटेड, क्रैकर्स एंड पॉलीमर्स लिमिटेड, और एक गेल सिंगापुर लिमिटेड ग्लोबल। ठीक है, इसके अलावा गेल का एक लॉन्गेस्ट पाइपलाइन, पूरा वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट पाइपलाइन, इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पाइपलाइन ऑफ द वर्ल्ड दैट हैज बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय गेल। बहुत सारे मतलब गैस का पाइपलाइन नेटवर्क होता है ना, गैस कैसे जाएगा, गैस इज नॉट अ फिजिकल थिंग विच यू कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, इट हैज गॉट सम, इट्स इन अ सबलाइम फॉर्म ना, वेपराइज फॉर्म में रहता है, तो उसका ट्रांसमिशन किससे होता है, पाइपलाइन नेटवर्क, पाइप्स के थ्रू होता है। तो लॉन्गेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क जो गेल कंपनी है उसने सेट किया, कहां से कहां तक वो गैस को पहुंचाता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम जामनगर इन गुजरात, टू लोनी इन उत्तर प्रदेश। सोचो इतना बड़ा लॉन्गेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क सेट किया है, एंड इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली ऑफ इंडिया, इट्स द लॉन्गेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लॉन्गेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क एस्टैब्लिश किया कहां से कहां तक, जामनगर इन गुजरात टिल लोनी इन उत्तर प्रदेश। क्लियर है यहां तक। इसके अलावा गेल को बहुत सारे अवार्ड्स मिला फॉर एक्सीलेंस, लाइक रिसेंटली 2018-19 में इसको एक अवार्ड मिला था, एक्सीलेंस इन कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, क्या चीज में अवार्ड मिला था बताओ, एक्सीलेंस इन कॉस्ट मैनेजमेंट। ऑलराइट, सो इट हैज गॉट एन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉस्ट मैनेजमेंट इन द ईयर 2018। ठीक है, 2018-19 होता है ना ईयर, फाइनेंशियल ईयर। ऑलराइट, सो कॉस्ट मैनेजमेंट, फॉर एक्सीलेंस इन कॉस्ट मैनेजमेंट इसको उसका अवार्ड मिला है। इसके अलावा इसको और भी चीज का अवार्ड मिला है। ठीक है, इसके अलावा इसको बेस्ट सीएसआर प्रैक्टिसेस के लिए भी अवार्ड मिला है। इसके अलावा इसको अवार्ड मिला फॉर एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट इन आउट ऑफ फेंस कैटेगरी, इन आउट ऑफ फेंस कैटेगरी। तो तीन अवार्ड हो गए, एक्सीलेंस इन कॉस्ट मैनेजमेंट, सीएसआर अवार्ड मिला है, और क्या चीज के लिए मिला है, फॉर एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट इन आउट ऑफ द फेंस कैटेगरी। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट करता है, इरीगेशन फैसिलिटी और ये सब, और वाटर मैनेजमेंट यहाँ पे क्यों करना जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी तो करता है ना ये, इसीलिए। ऑल राइट, तो लॉन्गेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क एक हम लोग पढ़े, जो कि स्टार्ट होता है कहां से बताओ, गुजरात से और उत्तर प्रदेश तक, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क। इसके अलावा इसको एक्सीलेंस इन कॉस्ट मैनेजमेंट का भी अवार्ड मिला, इसके अलावा इसको एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट का भी अवार्ड मिला, इसके अलावा इसको बेस्ट सीएसआर का भी अवार्ड मिला, इसके अलावा इसको और एक चीज का अवार्ड मिला है फॉर डाउनस्ट्रीम ऑपरेशंस, एक्सीलेंस इन डाउनस्ट्रीम ऑपरेशंस, मतलब अपना कस्टमर्स को अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम ऑपरेशंस क्या होता है, डाउनस्ट्रीम मतलब हो गया व्हेन यू आर डीलिंग विद योर कस्टमर, अपस्ट्रीम हो गया व्हेन यू आर डीलिंग विद योर सप्लायर। तो इसको क्या चीज के लिए अवार्ड मिला है, फॉर एक्सीलेंस इन डाउनस्ट्रीम ऑपरेशंस। ठीक है, तो लर्न कर लो अच्छे से इसको, वेरी क्विकली लर्न इट। सो दैट्स ऑल अबाउट योर गेल। हैव अ लुक एट दिस वेरी क्विकली। अच्छा, फोर्ब्स में इसका रैंकिंग अगेन इररिलेवेंट, बताए कि नहीं बताए, पहले बोलो, नहीं लर्न करना है। ठीक है, देख लो, लर्न नहीं करना है, लर्न कर लो वेरी वेरी क्विकली यहां तक पूरा अच्छे से। चलो
चलो कैन वी मूव अहेड, हो गया लर्न यहाँ तक अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपनी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस टू कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। अच्छा मेरे को बताओ इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या था, 1984। अब जो नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करेंगे उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्लस 10 का, तो 1994। नेक्स्ट टू कंपनीज दोनों का ही डेट 1994 है। तो अभी दो कंपनीज जस्ट डिस्कस की जिसका 1984 था, एक तो हम लोग डिस्कस की डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, ठीक है, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज का देख लो 1984, फिर गेल का किया 1984। अब हम लोग जो कंपनी डिस्कस करने वाले हैं, बताओ क्या कौन सा कंपनी डिस्कस करने वाले हैं, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। एचडीएफसी का बता दो फटाफट डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या, 1994, ठीक है। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, अगेन गेस करो, जैसे ही हम बोलते हैं ना गेस करो, समझ जाओ कहाँ पे होगा, मुंबई। सो एकदम इजी है, ठीक है। इसका फाउंडर का नाम क्या है, ध्यान से सुनना, एच से इसका फाउंडर का नाम है, ठीक है। जो लोग बहुत हंसते रहते हैं, एकदम खुश मिजाज लोग होते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, किस टाइप का आदमी है, जो दिन भर हंसते रहते हैं, एकदम मतलब चेहरा खिलखिला हुआ रहता है, खुश रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं, हैप्पी गो, एकदम लकी गो, हैप्पी बोलते हैं ना हिंदी में, उसको क्या बोलते हैं बताओ, एनी गेसेस हिंदी में क्या बोलते हैं उस आदमी को, हसमुख, ठीक है। तो इसका जो फाउंडर है उसका नाम क्या है, हसमुख, ऑल राइट, हसमुख ठाकुरदास पारेख, लर्न हुआ, बताओ इसका फाउंडर का नाम क्या है, हसमुख ठाकुरदास पारेख, ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ एचडीएफसी, लर्न हो गया, एच से हसमुख, एचडीएफसी का जो फाउंडर है कौन था, जो कि बहुत ही हंसते रहता था, हसमुख, ऑल राइट, हसमुख ठाकुरदास पारेख। और इसका जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो भी पारेख ही है, दीपक, दीपक एस पारेख, लर्न कर लो फटाफट, एकदम इजी है, ठीक है। फाउंडर इज हसमुख ठाकुरदास पारेख, चेयरमैन इज दीपक एस पारेख, 1994 डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हेड ऑफिस कहां पे इसका, मुंबई इंडिया में, ठीक है। फटाफट एचडीएफसी पूरा लर्न कर लो। क्या ये प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक है, हाँ बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक, इतना तो आप लोग को पता ही होगा, प्राइवेट बैंक है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा है एचडीएफसी जो है, इसका प्रोडक्ट डोमेन मेरे को बताने का दरकार है क्या, बताओ, जो एक नॉर्मल कमर्शियल बैंक करता है वही करेगा ना, लोन देगा, लोन लेगा, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, आईसीआईसीआई भी डिस्कस करेंगे, उसमें भी यही है, हम लोग क्या डिस्कस किए थे बताओ, एक बैंक का नाम जो कि हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे, वेरी क्विकली टेल मी द नेम ऑफ दैट बैंक दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, टेल मी द नेम ऑफ दैट बैंक, हम लोग एक्सिस बैंक डिस्कस किए थे ना लास्ट क्लास, ठीक है। तो जो एक्सिस बैंक डिस्कस किए थे हम लोग, तो उसका फंक्शंस किए थे ना, कॉर्पोरेट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट लेता है, एफडी का सर्विसेज देता है, शेयर ट्रेडिंग में हेल्प करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वही सेम एचडीएफसी का भी है, तो वो डोमेन हम वापस से नहीं लिख रहे, बट इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि एचडीएफसी जिसके लिए फेमस है और जिसके लिए एग्जाम में क्वेश्चन भी बार बार आया हुआ है, इट हैज डिस्कवर्ड योर पेजैप ऐप, सुने होगे ना पेजैप ऐप के बारे में, और चिल्लर ऐप के बारे में भी सुने होगे, ठीक है। तो ये सारा जो ऐप है, लाइक पेटीएम ऐप है, ठीक है, फोन पे ऐप है, तो ये सब वो अलग ऐप हो गया, बट ये दो ऐप जो है पेमेंट का जरिए, ऑनलाइन पेमेंट का जरिए किसने डिस्कवर किया, एचडीएफसी, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है पेजैप ऐप, चिल्लर ऐप किस बैंक ने डिस्कवर किया, ऑप्शन एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, क्या होगा इसका आंसर बता दो, एचडीएफसी। सो एचडीएफसी इज फेमस फॉर लॉन्चिंग टू पॉपुलर ऐप्स, डिजिटल ऐप्स नोन एज पेजैप एंड चिल्लर ऐप, ठीक है। इसके अलावा एचडीएफसी रिसेंटली न्यूज में क्यों रहा था, बिकॉज ये टाइम्स बैंक को एक्वायर किया, बहुत सारा बैंक्स को एक्वायर करके बड़ा बनाए, ठीक है। तो टाइम्स बैंक को एक्वायर किया, सेंचुरियन बैंक को एक्वायर किया है, टाइम्स एंड सेंचुरियन बैंक दोनों अलग अलग बैंक है, ये सब बैंक्स को जो है एचडीएफसी ने एक्वायर किया है। इसके अलावा रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, ध्यान से सुनना, एचडीएफसी हैज रिसेंटली बीन न्यूज बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ चाइनीज बैंक इन एचडीएफसी, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, चाइना का बैंक का नाम क्या था, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, और दे ऑल्सो कॉल इट एज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ऑलरेडी उसका एचडीएफसी में स्टेक था, द स्टेक वॉज 0.8%, इनिशियली द स्टेक वॉज ऑफ चाइना, चाइना का जो बैंक था उसका स्टेक एचडीएफसी में पहले कितना था, 0.8% था, ठीक है। अभी मौका पाते ही, अभी देख लो ना, चाइना जो है बिकॉज ऑफ टेकिंग द एडवांटेज आई विल से ऑफ दिस कोरोना वायरस सिचुएशन एंड दे हैव इन्वेस्टेड इन मेनी ऑफ द इंडियन कंपनीज, जिसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एफडीआई को करेंटली जो है प्रोहिबिट कर दिया कि बाहर का कंपनी जो आ गए मेरे इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इसके लिए अभी बहुत ही विवाद भी चल रहा है, ठीक है। तो वो अपना स्टेक को बढ़ा लिया, इंक्रीजिंग इट टू 1.015%,
So China has recently again purchased the shares of HDFC Bank and it has increased its stake from 0.8% to 1.015%. And for that, HDFC is recently again in news. ठीक है, तो ये बार अच्छे से देख लो, People's Bank of China. तो ये सब एग्जाम में आ सकते ना, क्योंकि रिसेंटली न्यूज में रहा है. ठीक है, सो यू कैन नॉट इग्नोर ऑल दीज स्टॉक्स. देख लो ये बार अच्छे से. अच्छा, और एक चीज, इसको बेस्ट एमएसई बैंक का भी अवार्ड मिला है बाय एमएसएमई इन 2019. ठीक है, इट हैज आल्सो बीन अवार्डेड एज बेस्ट एमएसई बैंक बाय द एमएसएमई अवार्ड. एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. क्योंकि ये माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को बहुत ज्यादा लोन अच्छे से दे रहा है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रहा है, इसलिए उसको बेस्ट एमएसएमई बैंक का भी अवार्ड मिला इन द ईयर ऑफ 2019. ठीक है, फटाफट एक बार अच्छे से देख लो. सो दैट्स ऑल अबाउट योर एचडीएफसी, चेक इट आउट. अच्छे से देख लो, लर्न कर लो. चलो, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी. अगेन जो नेक्स्ट कंपनी हम लोग डिस्कस करने वाले, अगेन इट्स अ बैंकिंग कंपनी, प्राइवेट सेक्टर बैंक है. इनफैक्ट ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है. गेस करो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक का नाम क्या है? आईसीआईसीआई बैंक. ठीक है, उसका भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, अगेन सेट यू इट्स द सेम, इट वॉज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1994. और उसका हेड ऑफिस भी सेम है, वही मुंबई में है. ठीक है, अच्छा, जैसे ही आईसीआईसीआई बैंक का नाम आता है, आप लोग के दिमाग में एक नाम आना चाहिए, चंदा कोचर. ठीक है, बट हाउएवर शी वॉज द प्रीवियस चेयरमैन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, बट ऑफ लेट शी हैज रिटायर्ड बिकॉज शी वॉज एसोसिएटेड विद सम कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ बैड लोन्स फ्रॉम वीडियोकॉन एंड एटसेट्रा. तो इसलिए अब वो हट गई है. तो अभी शी इज नो लॉन्गर द सीईओ ऑफ योर आईसीआईसीआई बैंक. हाउएवर द करेंट चेयरमैन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक इज गिरीश चंद्र चतुर्वेदी. ठीक है, और इसका सीईओ का नाम क्या है? संदीप बख्शी. ठीक है, तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं आईसीआईसीआई के बारे में डिटेल्स में. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बैंक. किसी को आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म पता है क्या? तुमको पता है आईसीआईसीआई बैंक 1994 में इनकॉर्पोरेट हुआ है, बट एक्चुअली इट वॉज फाउंडेड लॉन्ग ईयर्स बैक. इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1955 एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इट वॉज इनिशिएट द स्टेप वॉज इनिशिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. As a financial institution, it was formed in the year 1955, and then the name was Industrial Credit Investment Corporation of India. तब उसका नाम क्या था? Industrial Credit and Investment Corporation of India. But अभी इसका नाम सिर्फ ICICI Limited है, और वो भी ये private sector bank है, और वो भी India का largest, first rank. ठीक है, India का largest private sector bank है. Which is incorporated in the year 1994. तो बोलो कि 1955 में क्या हो? 1955 में फॉर्म हो गया था, बट नॉट एज अ कंपनी. कंपनी तो कब बना? 1994, वो भी कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट हुआ. पहले तो हम क्या बोले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था. कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, कब फॉर्म हुआ था? 1955, अंडर द इनिशिएटिव टेकन बाय योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड योर वर्ल्ड बैंक. ठीक है, तो ये सब डेटा बुक में नहीं दिया हुआ है, बट फॉर योर जनरल नॉलेज यू शुड नो ऑल दीज फैक्ट्स. ठीक है, तो आईसीआईसीआई लिमिटेड वॉज इनिशियल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट वॉज लॉन्च इन द ईयर 1955 अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड योर वर्ल्ड बैंक. बट ग्रेजुअली जो है आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई कॉर्पोरेशन गॉट कन्वर्टेड इन टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, सॉरी नॉट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में कन्वर्ट हो गया. इसका भी तो शेयर लिस्टेड ही है ना, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में कन्वर्ट हो गया. किस साल में? 1994 में. और ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है. और आईसीआईसीआई का फाउंडर का नाम क्या है? कामत. ठीक है, इसका फाउंडर का नाम क्या है बताओ?
केवी कमात, ऑलराइट, कमात ग्रुप वाज अ फाउंडर ऑफ आईसीआईसीआई, और इसका जो प्रेजेंट चेयरमैन है, जस्ट नाउ आई हैव सेड यू, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ये हो गया फाउंडर. एंड इफ दे आस्क यू अबाउट सीईओ, चंदा कोचर इज नो लॉन्गर द सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई, तो इसलिए क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि वो कॉन्ट्रोवर्सी के कारण हट गई थी ना, निकाल दिया गया था उसको, द बोर्ड फोर्स्ड हर बिकॉज एलिगेशंस वर चार्ज्ड ऑन हर, ठीक है, तो इसीलिए जो है उसको हटा दिया गया. और करंट सीईओ कौन है? संदीप, ठीक है, करंट सीईओ का नाम क्या है बताओ? संदीप बख्शी, याद रहेगा, संदीप बख्शी इज द करंट सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई. अगेन यू नो दिस डेट इज नॉट गिवन इन योर बुक, दे हैव स्किप्ड आउट दिस डेटा, बट यू हैव टू लर्न. ऑलराइट, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी चेयरमैन है, सीईओ कौन है? संदीप बख्शी, तो एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है. और चंदा कोचर पहले थी, अभी नहीं है, ठीक है. केवी कमात इसका कौन था? फाउंडर था. इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा? एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा तो क्या बोलोगे? आईसीआईसीआई. डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या? 1994, बट हाउएवर इट वाज फॉर्मड अर्लियर अलॉन्ग इयर्स बैक इन द ईयर ऑफ 1955. देख लो अच्छे से यहां तक. अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट द ऐप इंस्टा बिज ऐप? होगा आप लोग के मोबाइल फोन में, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के होल्डर हो तो, कस्टमर हो तो. इंस्टा बिज ऐप आप सुने होगे, इट्स अ डिजिटल बैंकिंग ऐप दैट हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय आईसीआईसीआई लिमिटेड, जिसके बाद ये और भी ज्यादा मतलब पॉपुलर हो गया. और ये ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया था? अगेन एमएसएमई लोग के लिए. एमएसएमई कौन हो गया? वही मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है. एम स्टैंड फॉर माइक्रो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, ताकि इन लोग अपना डिजिटल ट्रांजैक्शन को कैरी आउट कर सके फोन के थ्रू. तो ये जो ऐप है ये लॉन्च किया गया था, इंस्टा बिज ऐप. ऐसे तो बहुत सारे बैंकिंग कंपनीज ने इस टाइप के ऐप को लॉन्च किया, बट ये जो ऐप है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में बनाया हुआ और बहुत ही फास्ट मूविंग ऐप है. तुरंत ऑपरेट कर सकते हो इसको खोलकर अपना बैंकिंग ट्रांजेक्शन को विद इन वन क्लिक, ठीक है. सो फॉर फैसिलिटेटिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन फॉर मेनी बिजनेसेस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इंस्टा बिज ऐप वॉज रिसेंटली लॉन्च बाई आईसीआईसीआई लिमिटेड, फॉर विच इट हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली. तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, ठीक है, कि आईसीआईसीआई क्यों, किस लिए पॉपुलर हो, कौन सा ऐप को लॉन्च करने के लिए? पेजैप, चिल्लर, पेटीएम, इंस्टा बिज ऐप. तो वॉट विल बी योर आंसर? आंसर विल बी इंस्टा बिज ऐप, ठीक है. और इसके अलावा इसको सीएसआर का भी अवार्ड मिला है फॉर ऑब्जर्विंग गुड सीएसआर प्रैक्टिसेस. अभी हम लोग आज जितना भी कंपनीज कर रहे हैं ऑलमोस्ट सभी को सीएसआर का अवार्ड मिल रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इन द ईयर 2016. तो वेरी क्विकली हैव अ लुक एट आईसीआईसीआई लिमिटेड. आईसीआईसीआई लिमिटेड वॉज इनिशियली नेम्ड एज इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट, सॉरी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एंड सॉरी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है. क्या था नाम था बताओ? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1994, पहले 1955 में ऑलरेडी ये बन चुका था. किसके थ्रू बना था? इट वॉज द स्टेप वॉज इनिशिएटेड बाई योर वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस, ठीक है. इट्स द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक. इंस्टा बिज ऐप जिसने लॉन्च किया है, ठीक है, और वो जो ऐप लॉन्च किया गया किसके लिए? फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है. इसका प्रेजेंट चेयरमैन का नाम क्या है बता दो? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, फाउंडर केवी कमात, और सीईओ संदीप बख्शी है. चंदा कोचर इज नो लॉन्गर द सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है. एक बार वेरी क्विकली पूरा लर्न कर लो अच्छे से, वेरी क्विकली. And this completes your ICICI bank as well. Forbes में ranking इसका irrelevant, ICICI का 400 है, नहीं करना है. If you want, you can. जितना डेटा आप लर्न कर सकते हो करो ना, मेरे को क्या प्रॉब्लम है. अच्छा, HDFC का 209 था, ठीक है. HDFC का Forbes का जो ranking था it was 209. देखो इतना जो पुराना फोर्ब्स का रैंकिंग है, मतलब कि इतना ऐसा डेटा नहीं आता एग्जाम में. दे आस्क यू लाइक फॉर्च्यून का हम लोग कहते हैं फर्स्ट रैंक किसका है? वॉलमार्ट किए थे ना लास्ट क्लास, नॉट लास्ट क्लास, आई थिंक इट वाज डन इन द फर्स्ट क्लास, बट क्योंकि यू आर एंशियस टू नो आई एम गिविंग यू द डेटाज, बट
इरेलीवेंट, इतना लर्न कर भी लोगे ना रिटेन नहीं कर पाओगे एग्जाम तक। तो जो मेरे को रेलिवेंट लगता है एग्जाम पर्पज के लिए वही डेटा हम तुम लोग को बार बार उसमें मतलब फोर्स करके लर्न करवाते हैं, ठीक है। आई पुट अ प्रेशर ऑन दोज डेटा मोर, चेक कर लो अच्छे से, आईसीआईसीआई लर्न कर लो वेरी क्विकली। अच्छा बैंक लॉकर फैसिलिटीज ये सब प्रोवाइड करते हैं, ऐसा बोलने का दरकार है क्या बताओ? दोनों में ही आएगा, एचडीएफसी आईसीआईसीआई में लर्न कर लो अच्छे से। हो गया, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? कैन वी मूव अहेड? देख लो बड़ा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंडियन ऑयल। नाम में लिखा हुआ इंडियन ऑयल क्या बनाएगा? ऑब्वियसली ऑयल ही बनाएगा ना, ठीक है। इंडियन ऑयल इज द नेक्स्ट कंपनी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बिंग 1959, प्लेस न्यू दिल्ली, हेड ऑफिस इसका कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। क्या ये भी गवर्नमेंट कंपनी है? हाँ, बोलने का दरकार नहीं, इट्स ऑल्सो एन गवर्नमेंट कंपनी। और इसका जो प्रेजेंट चेयरमैन है उसका नाम क्या है? सीएमडी जिसको हम लोग बोलते हैं, संजीव सिंह, ठीक है। प्रेजेंट सीएमडी का नाम क्या? संजीव सिंह। ऑल राइट, लर्न कर लो अच्छे से। अच्छा घर में जो गैस आता है इंडियन गैस, इस बारे में सुने होगे ना, तो किसका ब्रांड है? इंडियन ऑयल का ही है। तो इंडियन एलपीजी जो आता है गैस वैस वो इसी का है, खाली ये इतना सा याद करना हो जाएगा। और इंडियन ऑयल का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे एलईडी लैम्प, सोलर लैम्प, ये सब जो फेमस हुआ था ना, ये किसका इनोवेशन है? इंडियन ऑयल का ही है, और इसके लिए इसको इनोवेशन अवार्ड भी मिला है, ठीक है। तो इंडियन ऑयल ऑल्सो हैज गॉट इनोवेशन अवार्ड फॉर दिस ओनली, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एलईडी लैम्प, सोलर लैम्प एटसेट्रा, ठीक है। और इंडियन एलपीजी, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, फ्यूलिंग, एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, ये सब इंडियन ऑयल हेल्प करता है। इट्स एन गवर्नमेंट कंपनी विथ इट्स हेड ऑफिस इन न्यू दिल्ली, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1959, इसका सीएमडी कौन है? संजीव सिंह, ठीक है। और इंडियन गैस जो ब्रांड है इसी का है, इंडियन ऑयल का, देख लो अगर अच्छे से लर्न कर लो, दैट्स ऑल अबाउट इट। सोलर एलईडी के लिए इसको इनोवेटिव अवार्ड मिला है, आई ऑलरेडी सेड यू। सीएसआर के लिए भी इसको अवार्ड मिला, इट्स सेड यू ना, मोस्ट ऑफ द कंपनीज दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे हैज गॉट सीएसआर अवार्ड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड, ठीक है। तो लर्न कर लो, इसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में पढ़ने वाले, बहुत ही मजा आएगा उसको पढ़ के। इन्फोसिस और आईटीसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। फटाफट एक बार इंडियन ऑयल को लर्न कर लो, गो थ्रू कर लो, ठीक है। फोर्ब्स का रैंकिंग जो है जानना है तुम लोग को, मेरे को तो लर्न है, बट इफ यू वॉन्ट टू नो आई एम पुटिंग इट आउट हियर, इट्स 288, मेरे को लर्न हो जाता है। तो अगर मेरे को लर्न होता है तो आप लोग को भी हो जाएगा, बट कुछ कुछ स्टूडेंट लोग जो है उतना उन लोग का लर्निंग रिटेंशन पावर अच्छा नहीं होता है, तो ये सब इररिलेवेंट डेटा, कभी नहीं पूछेगा कि इंडियन ऑयल का फोर्ब्स में रैंकिंग कितना है। वंस इन अ ब्लू मून, बहुत ही लक खराब है एकदम, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ गया, वो भी एक मार्क्स का, ठीक है। वो भी तुम लोग मतलब ऑप्शन देख के तुम लोग टिक कर लो, क्योंकि क्लास में सुना हुआ रहता है ना, तो ऑप्शन देख के तुम लोग को रिवाइव, यू विल बी एबल टू रिकॉल कि हाँ ये मेरा, मैंने क्लास में दिव्या मैम से सुना था, ठीक है। फटाफट कर लो यहाँ तक, तो हम लोग आज कितना कंपनीज हो गए ऑलरेडी, आई थिंक वी आर थ्रू विद 5 कंपनीज। इंडियन ऑयल लर्न कर लो वेरी क्विकली, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी पढ़ने वाले हैं, इन्फोसिस और आईटीसी। एक बार अच्छे से देख लो इसको, इंडियन ऑयल को, देन वी मूविंग ऑन टू इन्फोसिस एंड आईटीसी। सो कैन वी गो अहेड, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करने वाले हैं, लेट्स सी योर इन्फोसिस, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट कंपनी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इन्फोसिस 1981। इन्फोसिस का नाम सुनते ही मतलब बहुत अच्छा लगने लग जाता है, ठीक है।
तो इंडियन कंपनी है क्या ये? हाँ इंडियन कंपनी है। पता है इंफोसिस क्या चीज का कंपनी है? इट्स वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी है ये, सॉफ्टवेयर बनाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। ठीक है, इट्स एन इंफॉर्मेशन आईटी कंपनी, वन ऑफ द लीडिंग आईटी कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड रादर आई विल से। एंड इट वाज फाउंडेड बाय सेवन इंजीनियर्स, सेवन फ्रेंड्स। इंफोसिस कंपनी का जो फाउंडेशन है दैट वाज डन बाय सेवन फ्रेंड्स जो कि इंजीनियर्स थे। पुणे में वो लोग पढ़ाई करते थे तो पुणे में ही लोग मिलकर साथ में रहे और फिर लोग डिसाइड किए कि चलो हम लोग एक आईटी कंपनी खोल दे। बट इसका हेड ऑफिस पुणे में नहीं है, इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। इसका हेड ऑफिस कहां पे है? बेंगलुरु, दैट्स योर बैंगलोर। इसका हेड ऑफिस बैंगलोर में है। बट सेवन फ्रेंड्स इंजीनियर्स जो लोग कहां थे पुणे में, तो लोग मिलकर इंफोसिस कंपनी खोल दी, आईटी कंपनी है। और जिस आउट ऑफ सेवन फ्रेंड्स का नाम याद करने का दरकार नहीं है, आउट ऑफ द सेवन फ्रेंड्स जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम तुम लोग को याद करना और जो तुमको पता भी होगा, एन आर नारायण मूर्ति, एन आर नारायण मूर्ति, हाईली एस्टीम्ड रेनाउंड पर्सन ऑन दिस अर्थ। ठीक है, एन आर नारायण मूर्ति, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इंफोसिस। नेक्स्ट, इसका भी नाम सुने होगे, नंदन नीलकनी। ठीक है, तो नंदन नीलकानी और एन आर नारायण मूर्ति, इसका दो फाउंडर का नाम याद कर लो। ऐसे तो सेवन फ्रेंड्स को मिलकर बनाए थे और तुम लोग को यही नाम याद करना है, और शीशा सही है, एस शीशा सही है, के दिनेश, अशोक अरोड़ा, इतना नाम नहीं लर्न करना। और मैंने ऑलरेडी नोट्स में दिया है सातों नाम, सो इफ यू फील लाइक यहाँ मेरा जनरल नॉलेज अच्छा होगा हमको लर्न करना तो कर लेना। ठीक है, बट अभी एग्जाम पर्पज के लिए दो नाम याद कर लो, एन आर नारायण मूर्ति द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस एंड नंदन नीलकनी। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन एन आर नारायण मूर्ति का ही है बिंग द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। ठीक है, ही हैज ऑलरेडी रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सीईओ चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस, बट स्टिल क्योंकि अपना कंपनी को इतना ज्यादा जो है कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, इसीलिए स्टिल इन ऑर्डर टू पे हिम एज अ ट्रिब्यूट टू हिज हार्ड वर्क, ठीक है, उसको अभी भी ई मेरिटस चेयरमैन बोला गया इन्फोसिस का। एग्जाम में पूछ सकता है, हु इज द ई मेरिटस चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस, ऑल्दो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट अगेन गिवन इन योर बुक, बट स्टिल समटाइम्स इन एग्जाम दे आस्क यू। ई मेरिटस का मतलब क्या हुआ कि जस्ट एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, जो रिटायर्ड चेयरमैन उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, उसका नाम को एसोसिएट करने के लिए कंपनी के संग, उसको ऑनर दिखाने के लिए, मेरिटल स्टेटस दिखाने के लिए एक अलग से एक पोस्ट बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं ई मेरिटस चेयरमैन। सो हु इज द ई मेरिटस चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस? एन आर नारायण मूर्ति। एंड हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस? इट्स नंदन नीलकनी। ठीक है, करेंट चेयरमैन कौन है इन्फोसिस का? ही इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, नंदन नीलकनी, ही इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस। ठीक है, लर्न हो गया यहां तक, तो बताओ फाउंडर हो गया एन आर नारायण मूर्ति, नंदन नीलकानी, सेवन फ्रेंड्स थे जिसमें से दो का नाम किए बिकॉज दे आर द मोस्ट पॉपुलर वन एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन इज इमेंस इन फाउंडेशन ऑफ लिंग द फाउंडेशन ऑफ इन्फोसिस। ऑल राइट, फिर उसके बाद ई मेरिटस चेयरमैन इसका कौन है? एन आर नारायण मूर्ति। और इसका प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? नंदन नीलकानी। देख लो अगर अच्छे से, इसका सीईओ भी मेरे को पढ़ाने का मन हो रहा है, कैनॉट रेजिस्ट माई सेल्फ, तुम लोग भी पढ़ लो, सलील पारेख। ठीक है, बोलोगे हर जगह तो सीईओ नहीं करा है, नहीं कराए हैं, बट ये आ सकता है क्योंकि रिसेंटली ये सब न्यूज में आया है। तो सीईओ करंट इसका सलील पारेख है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नंदन नीलकानी है, ई मेरिटस चेयरमैन एन आर नारायण मूर्ति है। डोंट गेट कंफ्यूज, अगेन आई एम रिपीटिंग इट फ्रॉम द स्टार्टिंग, फाउंडेड बाई सेवन फ्रेंड्स, पुणे में थे उन लोग, बट इसका हेड ऑफिस पुणे में नहीं है, इसका हेड ऑफिस का बैंगलोर में है। वो लोग सेवन इंजीनियर थे जो कि इसका फाउंडेशन लेड किए, जिसमें से दो रिमार्केबल फाउंडर्स का नाम हम लोग को लर्न करना है, जिसका नाम है एन आर नारायण मूर्ति, नंदन नीलकानी। खत्म, यहां तक ये हो गया फाउंडेशन, और ये इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में, ये वन ऑफ द लीडिंग आईटी कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड है और ऑफ इंडिया भी है, और इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1981। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट चेयरमैनशिप ऑफ इन्फोसिस। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इसका प्रेजेंट कौन है? नंदन नीलकानी। सीईओ कौन है? सलील पारेख। और इसका ई मेरिटस चेयरमैन एज अ टोकन ऑफ रेस्पेक्ट टू द फाउंडर, क्या नाम है? एन आर नारायण मूर्ति। ठीक है, बींग अ सॉफ्टवेयर कंपनी, बहुत सारा सॉफ्टवेयर कंपनीज को भी एक्वायर किया है, लाइक सम ऑफ द एक्विजिशन ऑफ दिस इन्फोसिस ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज डन बाय इन्फोसिस आर स्कावा, पनाया, नोहा कंसल्टिंग टेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक है, फिनेकल, ये सब जो है सब इन्फोसिस ने एक्वायर किया है। बता दे रहे हम, स्कावा है, पनाया है, सब सॉफ्टवेयर कंपनीज का नाम है, अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर बनाता है, जैसे स्कावा ऑनलाइन शॉपिंग
सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट विल गिव यू दैट विल हेल्प यू इन डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग। ई कॉमर्स के बारे में सुनो ना, मोबाइल कॉमर्स के बारे में घर ही बैठे शॉपिंग कर सकते हो, तो वो ही है स्कावा सॉफ्टवेयर जो कि हेल्प करता है ई कॉमर्स में। पनाया है, ठीक है, फिर ये भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर कंपनी है बैंकिंग सिस्टम ये सब के लिए। इसके अलावा नोआ है, नोआ कंसल्टिंग सर्विसेज, ऑल राइट, ये तुम्हारे नेचुरल गैस और ऑयल का कंसल्टेशन सर्विसेज देता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। स्कावा हो गया, पनाया हो गया, नोआ हो गया, फिनैकल है, ये बैंकिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम है कोई टाइप का, फाइनेंशियल सिस्टम है। तो ऑल दीज आर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज दैट वाज एक्वायर्ड बाय इंफोसिस विच इज अगेन स्ट्रेंथनिंग इट्स बेस। ठीक है, तो यहां तक पूरा अच्छे से लर्न कर लो। अच्छा, फोर्ब्स में इसका रैंकिंग 643 है, ये लर्न कर सकते हो क्योंकि इंफोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है। ये इसका फोर्ब्स का रैंकिंग है, यू कैन लर्न इट, आई डोंट माइंड। अच्छा, रिसेंटली एक पार्टनरशिप किया था एक कंपनी के साथ जापान में, तो उसकी वजह से इसको एक्सीलेंस इन पार्टनरशिप का भी अवार्ड दिया है। ठीक है, किसने दिया है? माज़दा, ठीक है, दैट्स अ जापानीज ऑटोमेशन कंपनी। सो पार्टनरशिप एक्सीलेंस अवार्ड बाय माज़दा। और ये जो है, ये कौन सा है कंपनी? जापानीज, ठीक है, जापानीज ऑटोमेटिव कंपनी। इतना नहीं करना है, जापानीज ऑटोमोटिव, ठीक है, जापानीज ऑटोमोटिव कंपनी है, इतना नहीं करना, बस इतना याद रखना कि पार्टनरशिप एक्सीलेंस का इसको अवार्ड मिला 2019 में मिला, इसलिए मैंने डेटा करा दिया बाय माज़दा। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट थिंग है, Being an employer company, it's giving its services to many of its employees, clients, company. तो इसको top employer companies में भी इसको नवाजा गया है, ठीक है? और ये जो है top employer companies का list में जो आया है, top employer company, ये इस वजह से आया for its employer services that it has rendered to 3 countries of Singapore, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ठीक है, तो टॉप एम्प्लॉयर्स लिस्ट में भी आया है। ऑलराइट, तो अच्छे से यहां तक पूरा लर्न कर लो वेरी क्विकली। अच्छा, और एक चीज, ये लिस्टेड कब हुआ? पहले इसका नाम था इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ठीक है, सॉरी, इंफोसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, बट देन इन द ईयर 1992 The name got changed to Infosys Technologies Limited. ये public limited company बन गया, इसका shares listed हो गया, ठीक है? तो 1992 में क्या हुआ बताओ? Infosys Technologies Private Limited से ये Infosys Technologies Limited हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसका shares list हो गया और ये एक public limited company बन गया, ठीक है? तो बहुत ही important है Infosys, पूरा एक बार हम लोग data सारा वापस से revise कर लेते हैं, learn कर लो मेरे साथ। Infosys क्या एक Indian company है? हाँ। किस टाइप का कंपनी है ये? ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर बनाता है, और ये बहुत सारा सॉफ्टवेयर कंपनीज को भी एक्वायर किया है, लाइक नोहा कंसल्टिंग सर्विसेज कंपनी, स्कावश ऑनलाइन शॉपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पनाया, फिनैकल बैंकिंग सिस्टम कंपनी, ठीक है? तो ये सब कंपनीज को एक्वायर करके इसका सॉफ्टवेयर खरीद के अब ये सब सॉफ्टवेयर ये भी मैन्युफैक्चर करने लग गया। इन्फोसिस फाउंडेड बाय 7 इंजीनियर फ्रेंड्स इन पुणे, बट इसका हेड ऑफिस इज इन बेंगलुरु इंडिया, ठीक है? इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब था? 1981, बट 1992 में इसका नाम चेंज हुआ, इंफोसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से बन गया इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गया, ठीक है? फाउंडर दो इंपॉर्टेंट नाम, एनआर नारायण मूर्ति, नंदन नीलकानी। इमेरिटस चेयरमैन कौन है इसका? एनआर नारायण मूर्ति। नंदन नीलकानी इसका नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ही आज के दिन में, लेकिन इसका प्रेजेंट सीईओ कौन है? सलील पारेख, ठीक है? इसको एक्सीलेंस पार्टनरशिप का अवार्ड मिला है, माज़दा ने दिया है, जो कि एक जापानीज ऑटोमोटिव कंपनी है। इसके अलावा इसको और टॉप एम्प्लॉयर्स का भी अवार्ड मिला है बिकॉज ऑफ इट्स रेंडरिंग इट्स एक्सटेंडिंग इट्स ग्रेट डिजिटल सर्विसेज इन द एरिया ऑफ सिंगापुर, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? लर्न इट वेरी क्विकली, दिस इज ऑल अबाउट योर इंफोसिस। 643 फोर्ब्स रैंकिंग, डिड आई राइट इट? यस, 643 फोर्ब्स का रैंकिंग, लर्न कर लो वेरी क्विकली।
इसके अलावा इसको मोस्ट एडमायर्ड कंपनी का भी अवार्ड मिला हुआ है बहुत पहले, ठीक है, और एशिया फैब 50 में भी इसका आया है नाम, एशियाज बेस्ट फैब 50, सब नोट्स में दिया हुआ है, पढ़ लेना वहां से, यहां तक एक बार अच्छे से कर लो इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है, आई हैव रिटन एवरीथिंग। लर्न इट वेरी क्विकली। Are we through with this, friends? हो गया इन्फोसिस, चलो वेरी क्विकली हम लोग और नेक्स्ट रेनाउन कंपनी करने वाले हैं, द नेम इज आईटीसी। आईटीसी का क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलता है फटाफट मेरे को बताओ, ठीक है, आईटीसी का क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, टेल मी वेरी क्विकली, आईटीसी का क्या क्या आता है। क्लासमेट का कॉपी के बारे में सुने हो, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, That is also supplied by ITC. Have you heard about the luxurious hotel ITC Sonar Bangla? वो भी ITC का है, ठीक है? Cigarettes को कैसे भूलोगे? Cigarette से ही start किया था, tobacco बनाने से ही start किया था ITC. और इसका नाम भी उसने पहले Imperial Tobacco Limited था कंपनी का नाम, ठीक है? So it started with the business of, it's also a conglomerate company, companies of India. Reliance पड़े थे हम लोग, फिर उसके बाद लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट कंपनी क्या पड़े थे बताओ तो टाटा सन्स पड़े थे, ठीक है। तो आईटीसी भी कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है जो कि स्टार्ट किया था सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग का धंधा से, देन इट ग्रेजुअली डाइवर्सिफाइड, अगर 32 तक बनाता है लग्जरियस होटल, फिर उसके बाद तुम्हारा जो भी क्लासमेट्स का कॉपी है स्टेशनरी में भी है, इसके अलावा पर्सनल केयर हाइजीन मेंटेन करने के लिए इसका बहुत सारा बॉडी वॉश आता है, हैव यू हर्ड द ब्रांड नेम फियामा डीविल्स, उसका शैम्पू आता है बॉडी वॉश, वो सब आईटीसी का है। फिर इसका कपड़ा भी आता है क्लोथिंग लाइफस्टाइल, विल्स लाइफस्टाइल के बारे में सुने होंगे जो कि अभी करेंटली बंद हो चुका है, विल्स लाइफस्टाइल, विल्स का शॉप क्लोज हो गया बिकॉज ऑफ सम कंट्रोवर्सी, तो वो भी आईटीसी का ही है, ठीक है। तो क्या चीज में नहीं, अपैरल्स, क्लोथिंग, स्टेशनरी, पर्सनल केयर, हाइजीन, फिर उसके बाद होटल्स का बिजनेस में, लग्जरियस होटल्स का बिजनेस में। अच्छा होटल से याद है, ताज होटल किसका ब्रांड था, वेरी क्विकली टेल मी, ताज होटल, ताजमहल पैलेस इन बॉम्बे फर्स्ट होटल किसका था, टाटा का, वेरी गुड, ठीक है। तो आईटीसी ये सब चीज में डील करता है, वी हैव डिस्कस्ड इट, पेपर्स एटसेट्रा, ठीक है। इट्स वन ऑफ द फिलैंथ्रोपिस्ट कंपनीज, अगेन टाटा सन तो था ही फिलैंथ्रोफी में आगे, आईटीसी भी बहुत ज्यादा फिलैंथ्रोफी में आगे है, ठीक है। इसका प्रेजेंट चेयरमैन का नाम क्या है, योगेश चंद्र देवेश्वर, योगेश चंद्र देवेश्वर। तो आईटीसी कंपनी का प्रेजेंट चेयरमैन का नाम ये है, फाउंडर तुम्हारे बुक्स में नहीं दिया हुआ आईटीसी का, बट स्टिल इफ यू वॉन्ट टू नो आई विल टेल यू द नेम, फाउंडर का नाम हम तुमको बता दे रहे, although it's not in your book, Henry William है, it's actually Henry Overton William, ठीक है, Henry Overton William, नहीं भी करोगे तो चलेगा क्योंकि ये बुक्स में नहीं दिया हुआ है, बट हमको पता है अगर हम नहीं लिखते फाउंडर का नाम तो स्टूडेंट लोग क्यूरियसली पूछते अरे फाउंडर का नाम बताइए, फाउंडर का नाम बताइए, इसलिए हम बता दिए, ठीक है, Henry Overton William, बट आप नहीं भी करोगे तो चलेगा सिंस इट्स नॉट गिवन इन योर बुक, चेयरमैन का नाम लर्न करना जरूरी है बिकॉज इट्स गिवन इन योर बुक, योगेश चंद्र देवेश्वर, इनकॉर्पोरेटेड इन विच ईयर 1910। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे, अगेन कोलकाता, अगेन क्यों बोले, आज हम लोग और एक जगह कोलकाता पढ़े थे, कोल कोल फॉर कोलकाता, कोल 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 इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो आईटीसी का भी हेड ऑफिस कोलकाता में है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1910, प्रेजेंट चेयरमैन कौन है इसका, योगेश चंद्र देवेश्वर, इसका फाउंडर हेनरी ओवरटन विलियम है, आपके बुक्स में नहीं है तो नहीं भी करोगे तो बिल्कुल चलेगा, ठीक है। सीईओ लर्न कर लो, संजीव पुरी, इसका प्रेजेंट सीईओ का नाम क्या है, संजीव पुरी। इसका प्रोडक्ट डोमेन एक बार मेरे को बताओगे क्या क्या है, सिगरेट्स मैन्युफैक्चरिंग है, अगरबत्तीज है, पर्सनल केयर हाइजीन, होटल्स है, ठीक है, स्टेशनरी बुक्स है, स्टेशनरी बुक्स कॉपीज इसका जो बनता है उसका ब्रांड नेम क्या है, क्लासमेट, बहुत महंगा था क्लासमेट का कॉपीज, और फिलैंथ्रोपी तुम लोगों को कैसे पता ही देता है, क्लासमेट का कॉपी अगर देखोगे उसके पीछे लिखा रहेगा कि एक रुपया जो है आईटीसी कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड
स्टूडेंट्स और पीपल फॉर देयर स्टडीज। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आईटीसी के बारे में। अच्छा, हम लोग इसका नेम चेंज के बारे में पढ़ रहे थे, तो आईटीसी का जो पहला नाम था वो क्या था, इंपीरियल टोबैको लिमिटेड, इंपीरियल टोबैको लिमिटेड कंपनी लिमिटेड इसका पुराना नाम था। फिर इसका नाम चेंज हो गया इंडियन टोबैको लिमिटेड, टोबैको इसका धंधा था ना, बट हम बोले ना अभी टोबैको के अलावा भी बहुत चीज मैन्युफैक्चर करने लग गया है, तो फाइनली इसका नाम आईटीसी लिमिटेड में आके रुक गया, इसका कोई प्रेजेंट फुल फॉर्म नहीं है, इन 1974। ठीक है, द नेम गॉट चेंज्ड इन व्हिच ईयर, 1974। ये इंपीरियल टू इंडियन टोबैको 1970 में, इसको नहीं भी करोगे डेट को चलेगा, ये वाला डेट इंपॉर्टेंट है। आईटीसी लिमिटेड कब हुआ इसका नाम, 1974 में। पहले इसका नाम था इंपीरियल टोबैको लिमिटेड, फिर इसका नाम हुआ इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड, फिर इसका नाम हो गया आईटीसी लिमिटेड 1974 में। ठीक है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट डोमेन ऑब्वियसली बढ़ गया, इसीलिए। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, संजीव पुरी। फाउंडर का नाम मत करो, छोड़ दो, हेनरी ओवरटन विलियन। चेयरमैन कौन, सॉरी, प्रेजेंट चेयरमैन है योगेश चंद्र देवेश्वर। सीईओ कौन है, संजीव पुरी। ठीक है, दैट्स इट। आईटीसी कोलकाता हेड ऑफिस 1910 इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फटाफट लर्न कर लो वेरी क्विकली। फोर्ब्स में रैंकिंग 806 है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, 806, आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज फॉर विच आईटीसी वॉज रिसेंटली इन न्यूज एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट, वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव चॉकलेट आईटीसी ने बनाया, एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो द प्राइस ऑफ दैट चॉकलेट। चॉकलेट कितना महंगा है अब, मतलब सोच भी नहीं पाओगे कितना महंगा चॉकलेट है। एक किलो का चॉकलेट लगभग 4 लाख के ऊपर का, तो ये खाली इंडिया का एक्सपेंसिव चॉकलेट नहीं है, वर्ल्ड का एक्सपेंसिव चॉकलेट है। तो आईटीसी न्यूज में इसलिए भी रहा था कुछ दिनों पहले, फॉर मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव चॉकलेट वर्थ रुपीज 4.3 लाख पर केजी। सोचो 4.3 लाख पर केजी, वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव चॉकलेट 4.3 लाख पर केजी, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो आईटीसी वॉज इन न्यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव चॉकलेट वर्थ रुपीज 4.3 लाख पर केजी। खरीदोगे तो मेरे को भी दे देना थोड़ा सा, ठीक है। अंडर द ब्रांड नेम फेबल, फेबल का चॉकलेट्स खाए हो कभी, आईटीसी ब्रांड का ही है। ठीक है, लगता होगा फेबल ब्रांड इज अ फॉरेन ब्रांड चॉकलेट, नो, बट इट्स एन इंडियन कंपनी का ब्रांड, और भी सोचो वर्ल्ड का एकदम एक्सपेंसिव चॉकलेट बना इस ब्रांड नेम के अंदर 4.3 लाख पर केजी। इसको और एक चीज का अवार्ड मिला, फॉर एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, वाटर स्टीवर्डशिप मैनेजमेंट, वो इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए, 2019 का ही बात है, वाटर स्टीवर्डशिप मैनेजमेंट, एक्सीलेंस इन दैट। सो दिस कंप्लीट्स योर आईटीसी एज वेल। फोर्ब्स में रैंकिंग बता दिए ना, 806, नहीं भी करोगे तो चलेगा, यहां तक एक बार लर्न कर लो अच्छे से, वेरी क्विकली लर्न इट। तो हम लोग का दो भारी भारी कंपनी इंफोसिस और आईटीसी ओवर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद तुमको पता है बहुत ही हल्का हल्का कंपनी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पीजीसीआईएल, पीजीसीआई, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये सब जो है ना हम लोग डायरेक्टली बुक से ही पढ़ेंगे और मार्किंग करेंगे, बुक से भी पढ़ने का दरकार नहीं, मेरा नोट से ही करना है, ये तीन कंपनी। अब इसके बाद जो हम लोग एसबीआई करेंगे, एंड देन योर टोटल लिस्ट ऑफ ऑल द कंपनीज गिवन इन योर इंस्टीट्यूट मैट विल बी ओवर वेरी सून, अच्छे से देख लो, उसके बाद हम लोग एसबीआई डिस्कस करेंगे। आईटीसी, चलो क्या अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी डिस्कस कर सकते हैं, चलो लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट कंपनी, दैट इज योर एसबीआई, पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली फाउंडेड बाय योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1806। पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा बैंक है जिसका ओरिजिन बहुत ही पुराना है, ब्रिटिश इंडिया के टाइम्स का है, इट्स एसबीआई। तुमको पता है एसबीआई बैंक ऐसे ही एसबीआई बैंक नहीं बना, बहुत झमेला हुआ इसके पीछे। सबसे पहले बैंक ऑफ कैलकटा बना था, जिसको फिर रीनेम कर दिया गया
अभी कोलकाता बोलते ना हम लोग, पहले तो कलकत्ता नाम था, ठीक है, जिसको रीनेम कर दिया गया था बैंक ऑफ बंगाल से। फिर क्या हुआ पता है, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंक मर्ज होकर इंपीरियल बैंक बनाया। क्या बैंक बनाया? इंपीरियल बैंक। फिर इंपीरियल बैंक का नामकरण होकर एसबीआई बन गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो दैट्स द हिस्ट्री ऑफ एसबीआई। इट ओज इट्स ओरिजिन टू योर टाइम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इनिशियली बैंक ऑफ कलकत्ता वाज एस्टैब्लिश, देन बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे गॉट मर्ज्ड विद दिस बैंक ऑफ बंगाल। इट वाज इनिशियली नेम्ड एज बैंक ऑफ कलकत्ता टू फॉर्म इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, एंड देन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज अगेन रीनेम्ड एज एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लर्न कर लो अच्छे से। तो ये जो इंपीरियल बैंक टू एसबीआई हुआ ना, ये किस साल में हुआ? 1955 में। तो एसबीआई नाम कब मिला? इन द ईयर 1955। एसबीआई नाम कब मिला? इन द ईयर 1955 में और एक चीज हुआ था, आईसीआईसीआई वाला। ठीक है, देख लो अच्छे से, वापस से सुनो। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता बना था, दैट वाज रीनेम्ड एज बैंक ऑफ बंगाल। इट गॉट मर्ज्ड विद बैंक ऑफ मद्रास, इट गॉट मर्ज्ड विद बैंक ऑफ बॉम्बे टू फॉर्म इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज फर्दर रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर 1955। सो इट्स एन इंडियन बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीइंग द फाउंडर ऑफ एसबीआई, हु इज द प्रेजेंट सीएमडी रजनीश कुमार। क्या नाम है बताओ? रजनीश कुमार इसका प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एसबीआई। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता है, एसबीआई का विजन क्या है? एसबीआई इज टोटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट्स कस्टमर। ये इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसका विजन है माई कस्टमर फर्स्ट। ये खाली अपना कस्टमर के प्रति फुल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इसका विजन क्या है? माई कस्टमर फर्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में और आते रहता है। ठीक है, तो माई कस्टमर फर्स्ट इज द विजन ऑफ एसबीआई। इसका सर्विसेज हम नहीं डिस्कस करें कि बैंक क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया आईसीआईसीआई एचडीएफसी के बारे में, ये भी वही सब सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंपनीज लोग को लोन देता है, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग करता है, म्यूचुअल फंड सर्विसेज, एनआरआई सर्विसेज, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को लोन देता है। ठीक है, एटसेट्रा। फोर्ब्स में इसका रैंकिंग 460। व्हाट इज द रैंकिंग इन फोर्ब्स? 460। लर्न इट वेरी क्विकली। और ये रिसेंटली 5 एसोसिएट बैंक्स को भी एक्वायर किया, आप लोग जानते होंगे उसका नाम, बैंक ऑफ राजस्थान, बैंक ऑफ पटियाला। ठीक है, ये सारे जो बैंक थे, बैंक ऑफ राजस्थान था, बैंक ऑफ पटियाला था, फिर उसके बाद महिला बैंक था, बैंक ऑफ मैसूर था, स्टेट बैंक सारा था ना, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर था, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, भारतीय महिला बैंक, ये सारे मर्ज हो गए थे एसबीआई के संग। तो एग्जाम में पूछ सकता है कितना सारा बैंक मर्ज हुआ? 5, बीकानेर, जयपुर, मैसूर, पटियाला, ट्रावनकोर, ऑल राइट, भारतीय महिला बैंक। और ये जो है साउथ कोरिया में भी अपना एक ब्रांच खोला, सियोल में। ठीक है, तो ये भी लर्न कर लेना, सियोल में एसबीआई ने अपना ब्रांच खोला, सियोल में, साउथ कोरिया में, जो कि एक जगह। दैट्स इट, एसबीआई इज ओवर। माय कस्टमर फर्स्ट इज अ विजन। जनरल क्वेश्चन एसबीआई में ये आता है कि इसका मिशन क्या है, विजन क्या है। सो विजन ऑफ एसबीआई इज माई कस्टमर फर्स्ट। और एक क्वेश्चन ये आता है कि इसका पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कौन 3 बैंक जुड़ा हुआ था? बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। ओके, सो ये भी आता है एग्जाम में, विच बैंक ओज इट्स ओरिजिन टू ब्रिटिश टाइम्स? आंसर इज एसबीआई। 1806 में इसका इनकॉर्पोरेशन हो चुका था। ठीक है, इसका प्रेजेंट सीएमडी कौन है? रजनीश कुमार। सर्विसेज वही सेम अलग अलग टाइप का देता है। 460 फोर्ब्स में रैंकिंग है इसका। सियोल में अपना फर्स्ट ब्रांच खोला, साउथ कोरिया में। और उसके बाद इसका 5 एसोसिएट बैंक जो कि इसको एक्वायर किया है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, एटसेट्रा, भारतीय महिला बैंक, एटसेट्रा। ठीक है, तो एनटीपीसी, ओएनजीसी हम लोग का बचा है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एकदम छोटा छोटा टॉपिक, हम लोग डायरेक्टली मैट से ही कर लेंगे। एनटीपीसी, एन फॉर गेस करो कि प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, न्यू दिल्ली। डेट एकदम ईजी है इसका, 1975। ठीक है, एन फॉर न्यू दिल्ली, या देखिए फॉर कोल की थे कोलकाता, सी कोल कोलकाता, इसे एन फॉर न्यू दिल्ली। एनटीपीसी न्यू दिल्ली में इनकॉर्पोरेशन हुआ, उसका प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह। और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन क्या करेगा? थर्मल एनर्जी तो जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करेगा फ्यूल को बर्न करके, दैट्स इट।
और एनटीपीसी में और एक है कि वो इंडिया का लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है, लिख देंगे एनटीपीसी के बारे में भी जब उतना बोली थी तो, बात बाकी तो मैट से मार्किंग करेंगे, बहुत ही छोटा टॉपिक है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन पावर जनरेट करेगा, ये वर्ल्ड का इंडिया का लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है, ठीक है। इट्स इंडिया लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन कब हुआ था 1975, ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी ही है। इसका प्रेजेंट चेयरमैन का नाम क्या है, गुरदीप सिंह। ऑलराइट, एन फॉर क्या बोले थे, न्यू दिल्ली। 1975 गुरदीप सिंह, ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाउंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इंडिया का लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है। ऑलराइट, बोला गया हर चौथा बल्ब जो है एनटीपीसी के पावर से जलता है, एवरी फोर्थ बल्ब इन इंडिया इज डन बाई और एनटीपीसी कंपनी, इतना पावर जनरेशन करता है, फेमस है। चलो अब हम लोग फटाफट जो है एक बार मार्किंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस टुडे, स्टार्टिंग विद कोल इंडिया लिमिटेड हम लोग डिस्कस किए थे। फटाफट मेरे को बताओ, कोल इंडिया लिमिटेड जो है उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, 1975। अच्छा एक चीज देखो, हम लोग स्टार्ट भी 1975 से किए, एंड भी 1975। कोल इंडिया लिमिटेड से स्टार्ट किए 1975, एंड किए एनटीपीसी से 1975, और कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता था और एनटीपीसी न्यू दिल्ली है। तो इस तरह से लिंक कर करके पढ़ोगे, डेटा इजीली लर्न होगा। कोल इंडिया लिमिटेड का हम लोग 8 सब्सिडरीज कंपनीज पढ़े थे, जैसे नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड एक्सेट्रा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी था ये, कोलकाता में इसका हेड ऑफिस था, अनिल कुमार झा इसका चेयरमैन था। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी पढ़े, सतीश कलाम रेड्डी, अंजी रेड्डी, नॉरीलेट ब्रांड था, अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड को एक्वायर किया था, गायनोकोलॉजी डर्मेटोलॉजी उसके लिए फेमस था। फिर हम लोग गेल के बारे में पढ़े, गेल इंडिया लिमिटेड लॉन्गेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क बैठाया था जामनगर इन गुजरात टिल लोनी इन उत्तर प्रदेश, सीएसआर के लिए इसको अवार्ड मिला था गेल को। गेल का 3 सब्सिडरी है, ब्रह्मपुत्र पॉलीमर्स एंड क्रैकर, गेल ग्लोबल सिंगापुर पीटी था और गेल गैस लिमिटेड था, ठीक है। फिर हम लोग एचडीएफसी दो बैंक्स के बारे में पढ़े थे जिसका डेट सेम था 1994 आईसीएसआई और एचडीएफसी का। एचडीएफसी का प्रेजेंट चेयरमैन और एचडीएफसी किस ऐप के लिए फेमस था, पेज ऐप और चिलर ऐप के लिए, ठीक है। और हसमुख ठाकुरदास पारेख फाउंडर था और इसका प्रेजेंट चेयरमैन दीपक एस पारेख था। फिर हम लोग आईसीआईसी के बारे में, फाउंडर के वी कमात था, प्रेजेंट चेयरमैन बहुत ही इंपॉर्टेंट आईसीआईसी का गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और सीईओ कौन है, संदीप बख्शी, ठीक है। इंस्टा बिज ऐप इंपॉर्टेंट है, इंस्टा बिज ऐप कौन लॉन्च किया, आईसीआईसी, डेट से 1994। फिर हम लोग इंडियन ऑयल पढ़े, वो एलईडी लैंप्स ये सब के लिए फेमस था, इंडियन ऑयल, इंडियन पूछ सकता है नेचुरल गैस किसका ब्रांड है, दैट्स ऑफ दिस इंडियन ऑयल, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी हम लोग इन्फोसिस पढ़े, फाउंडेड बाय 7 फ्रेंड्स इंजीनियर्स, बट इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। फिर इसका नेम चेंज हुआ क्योंकि ये लिस्टेड हो गया, इसका शेयर पब्लिक कंपनी बन गया, पब्लिक लिमिटेड बन गया। सलील पारेख इसका सीईओ है, चेयरमैन नंदन नीलकानी है और इमेरिटस चेयरमैन कौन है इसका, एन आर नारायण मूर्ति, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, आईटीसी के बारे में पढ़े थे। आईटीसी का योगेश चंद्र देवेश्वर प्रेजेंट चेयरमैन है, कोलकाता में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। आईटीसी का बहुत सारा ब्रांड्स है, वर्ल्ड का सबसे कॉस्टलीस्ट चॉकलेट कौन बनाया, आईटीसी बनाया, कितना है उसका दाम, 4.3 लाख पर केजी। एसबीआई का विजन क्या है, माई कस्टमर फर्स्ट, और एसबीआई का हिस्ट्री 1806 में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका था, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से इसका नाम चेंज हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पहले बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मुंबई मिलकर इंपीरियल बैंक बनाया। फिर हम लोग एनटीपीसी के बारे में पढ़ लें, एन फॉर न्यू दिल्ली, 1975 थर्मल पावर जनरेट करता है और इंडिया का लार्जेस्ट पावर जनरेशन जनरेटिंग कंपनी है, ठीक है। दैट्स इट, सो दिस कंप्लीट्स योर बीसीके का फाइनली द क्लास, ठीक है। अब हम लोग फटाफट जो है पहले इंस्टीट्यूट का मैट से मार्किंग कर लेते हैं, फिर नोट से कर लेंगे वेरी क्विकली। अच्छा मैं एक बात बता दूं, इंस्टीट्यूट का मैट से मैं मार्किंग सिर्फ आपका सेटिस्फेक्शन के लिए करा रही हूँ, एग्जाम में इंस्टीट्यूट का मैट को रेफर करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। माई नोट्स दैट आई हैव गिवन यू ऑलरेडी इज सेल्फ सफिशिएंट, इज एग्जॉस्टिव, उसमें सब कुछ कवर है, उसी में से आएगा सब, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना। चलो हम लोग मार्किंग कर लेते हैं इंस्टीट्यूट का मैट में, आ जाओ फटाफट, हियर कम्स योर इंस्टीट्यूट का मैट। ये सब तो हो गया था ना लास्ट क्लास, बजाज, बजाज का फाउंडर बताओ तो फटाफट, फाउंडर ऑफ बजाज, वेरी गुड, जमुना लाल बजाज। चलो आ जाओ, कोल इंडिया लिमिटेड, लेट अस डू द मार्किंग। कोल
कोल इंडिया लिमिटेड 1975, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलकाता, अनिल कुमार झा, याद है बोले थे 84% ऑफ द कोल प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट यही करता है और लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी वर्ल्ड का है। ऑल राइट, इसका 8 होली ओन सब्सिडरीज है, 7 लिखा है, पहले 8 था, ठीक है, ECL, BCCL, सेंट्रल, वेस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, नॉर्दर्न, महानदी, नेशनल वाला हट गया है। ये रहा देखो, है तो 8, गलती से ऊपर 7 लिख दिया, मेरे को लगा अमेंडमेंट आ गया, ठीक है, है देखो 8 ओ होली ऑन सब्सिडरी सेंट्रल प्लानिंग माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मेरे को लगा कि चेंजेस आया है बट नहीं आया, ठीक है, वही है। दो तो ज्वाइंट वेंचर इसका हम लोग पढ़े थे, फोर्ब्स में इसका रैंकिंग 583 है, इसको CSR का अवार्ड मिला था ना रूरल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मार्क कर लो फटाफट। डॉक्टर रेड्डी में आ जाओ फटाफट, 1984 हैदराबाद, तेलंगाना, कलाम सतीश रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी बिंग द मैन्युफैक्चर, इफ यू वांट टू राइट द फुल नेम यू कैन राइट एनजी रेड्डी, ग्लैक्सो एंड वैक्सी के बाद इसको थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी बोला गया है बाय एक्वायरिंग इंडियन रेमेडीज अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड, फिर टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन, पेन मैनेजमेंट, गायनोकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ये सब में एलर्जी मेडिसिन प्रोवाइड करता है। बिजनेस एंड न्यूज में आ जाओ, अभी रिसेंटली एक्वायर किया ना नॉन मार्केटेड एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन US के संग, नॉरिलेट ब्रांड के बारे में लिख लो, नॉरिलेट ब्रांड नहीं भी लिखोगे चलेगा, नोट्स में दिया हुआ सब, ठीक है। गेल माकलो 1984 न्यू दिल्ली, आशुतोष कर्नाटक इज ऑल्सो द CEO, कंट्री का लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क ओन करता है, ऑल राइट, 3 सब्सिडरीज, गेल गैस, ब्रह्मपुत्र क्रैकर पॉलीमर, गेल गेल ग्लोबल, वेरी क्विकली मार्क ऑल दीज, 1186 फोर्ब्स में रैंकिंग, नहीं भी करोगे चलेगा, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट, एक्सलेंस इन वाटर मैनेजमेंट बोले तो आउट ऑफ फेंस कैटेगरी में, कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए बोले थे, ठीक है। HDFC बैंक आ गई 1994, मुंबई, दीपक एस पारेख, आदित्य पुरी प्रेजेंट हेड, फोर्ब्स में रैंकिंग, बेस्ट बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस, सेंचुरियन बैंक एक्वायर किया था बोले थे ना, टाइम्स बैंक एक्वायर किया था, इंडियाज बेस्ट बैंक बाय यूरो मनी अवार्ड एक्सीलेंस, मार्क करते जो फटाफट। अच्छा, HDFC का चाइना का जो स्टेक था वो यहाँ नहीं दिया हुआ है बट लर्न करोगे तो अच्छे आ सकता है ना, रिसेंट न्यूज में है, कोरोना वायरस के बाद उसका स्टेक बढ़ गया चाइना का, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का HDFC में, बेस्ट MSME का बैंक अवार्ड मिला था, दिस वी हैव डिस्कस्ड, ICICI बैंक, AV कमात, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी प्रेजेंट हेड, 1994 मुंबई महाराष्ट्र, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्रोडक्ट्स फंड, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, बैंकिंग सर्विसेज, रिटेल बैंकिंग एटसेट्रा, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, We discussed it, 959 New Delhi, Sanjeev Singh, LED lamps, oil discuss किए थे ना, Indian oil, CSR award, Infosys important, 1981 Bangalore, Nandan Nilkani, Salil Parekh, 7 engineers,
ये सब इसका सॉफ्टवेयर का नाम जो हम लोग डिस्कस किए थे, दिस इज इम्पोर्टेंट. फिनाकल पूछता कौन सा सॉफ्टवेयर कंपनी है, ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, एक्सीलेंस पार्टनर अवार्ड बाय माजदा, टॉप एम्प्लॉयज इंस्टीट्यूट, कहाँ कहाँ सर्विसेज दिया था एम्प्लॉयमेंट का, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, नोहा कंसल्टिंग किया अक्वायर को जो कि ऑयल और गैस इंडस्ट्री का सर्विसेज देता है, स्कावा बोले थे ना मोबाइल कॉमर्स शॉपिंग एक्सपीरियंस देता है, आईटीसी 910 आईटीसी ग्रुप कोलकाता, योगेश चंद्र देवेश्वर, संजीव पुरी, सिगरेट्स, फूड्स, पर्सनल केयर, आशीर्वाद, यिप्पी, ये सब आईटीसी का ही है. यिप्पी नूडल्स, मैगी तो नेस्ले का है ना, एडुकेशन स्टेशनरी, क्लासमेट का कॉपी, लाइफस्टाइल रिटेलिंग, विल्स लाइफस्टाइल, जॉन प्लेयर्स, अगरबत्ती, होटल्स, लग्जरियस होटल, ठीक है, वाटर स्टीवर्शिप अवार्ड बोले थे हैं. देखो एक्सपेंसिव चॉकलेट 4.3 लाख पर केजी. ऑलराइट, एनटीपीसी के 1975 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, गुरदीप सिंह, ये इंपॉर्टेंट. इसका सब्सिडरीज कितना बार आता है एग्जाम में, लर्न कर लेना द नेम ऑफ द सब्सिडरीज. कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ना, सारा नाम में इलेक्ट्रिक है, आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी. देखो एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई, विद्युत व्यापार, बिजली, विद्युत व्यापार, बिजली, रेल बिजली, पटरटू, विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड. विद्युत, बिजली, रेल बिजली, ऑल दीज आर इंक्लूडेड हियर. इंडिया का लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी, गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी इसको मिला था. ठीक है, बहुत ही एक रेनाउंड अवार्ड होता है. ओएनजीसी डायरेक्टली वहीं से करेंगे, पावर ग्रिड भी वहीं से करेंगे, एसबीआई कर लो मार्किंग. 1806 मुंबई, रजनीश कुमार, देखो बैंक ऑफ कैलकटा, होल्डर्स कमिश्नर बैंक, फिर बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ मद्रास और बॉम्बे, माय कस्टमर फर्स्ट, सीओएल में खोला और एसोसिएट बैंक्स. चलो फटाफट हम लोग नोट्स में भी मार्किंग कर लें, लेट अस ओपन द नोट्स. चलो देख लो, मार्किंग कर लें. कितना सुंदर से नोट्स, अगेन बहुत मेहनत से बनाया जाता है नोट्स, सीरियसली प्लीज इसको अच्छे से फॉलो करोगे. एंड इफ यू लाइक माई नोट्स, यू लाइक माई लेक्चर, आपको लग रहा है क्लास में लर्न हो रहा है, टू शो योर रिस्पेक्ट एंड लव फॉर मी, जितना आप मेरा वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करोगे, मेरे को लगेगा येस यू हैव लव माई वीडियो. कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन कोलकाता, देख रहे हो चेयरमैन अनिल कुमार झा, 583 रैंकिंग, ये नहीं भी करोगे तो चलेगा नाम चेंज. 84% ऑफ कोल प्रोडक्शन इन इंडिया, इसका 8 होली ओन सब्सिडरीज, CSR विनर, 2 जॉइंट वेंचर, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी. डॉक्टर रेड्डी, तेलंगाना, हैदराबाद 1984, अंजी रेड्डी, कलाम सतीश रेड्डी, डर्मेटोलॉजी, एलर्जी, ये सबसे ज्यादा दवाई का नाम है. अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड, नोरिलेड ब्रांड, थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया आफ्टर एनबैक्सी एंड ग्लैक्सो, और वो पोर्टफोलियो 42 अप्रूव नॉन मार्केटेड ड्रग्स. ठीक है, गेल इंडिया लिमिटेड, इंडिया, न्यू दिल्ली 1984 गवर्नमेंट, आशुतोष कर्नाटक, नेचुरल गैस, सब्सिडरीज इसका देख लो, मार्क कर लोगे. कॉस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ये सब के लिए अवार्ड मिला था. वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सक्लूसिव पाइपलाइन नेटवर्क फ्रॉम जामनगर इन गुजरात टू लोनी इन उत्तर प्रदेश. SDFC बैंक किए थे हम लोग मुंबई 1994, हसमुख ठाकुरदास पारेख, दीपक एस पारेख. सेंचुरियन बैंक एक्वायर किया, टाइम्स बैंक, डिजिटल सर्विस, पेजैप और चिल्लर, वेरी इंपॉर्टेंट. और देखो वाला पॉइंट यहाँ लिखे हैं, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना वाला स्टेक बढ़ के 0.8% से 1.015% हो गया.
और बेस्ट बैंकिंग परफॉर्मिंग ब्रांच, फिर ICICI बैंक हम लोग डिस्कस किए थे, मुंबई 984 के वी कमात, ठीक है, फोर्ब्स 400, नेम चेंज हुई 1955 वाला बात, इंस्टा बिज ऐप, एवरीथिंग इज गिवन आउट हियर। ठीक है, यू कैन राइट हियर अबाउट संदीप बख्शी, चंदा कोचर इज नो मोर द सीईओ, इंडियन ऑयल 1959 न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संजीव सिंह, इंडियन एलपीजी, एलईडी लैंप्स इनोवेटिव अवार्ड जो बोल रहे थे, देन इन्फोसिस 1981 बेंगलुरु इंडिया, एन आर नारायण मूर्ति, नंदन नीलकनी, यू कैन ऑल्सो राइट हियर अबाउट सलील पारेख, नंदन नीलकनी, ठीक है, और इमेरिटस चेयरमैन कौन था, एन आर नारायण मूर्ति, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, नंदन नीलकनी, सीईओ कौन है, सलील पारेख, मानस कावा, नोवा, माजदा, एम्प्लॉयर में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऑल राइट, देन ITC लिमिटेड कोलकाता, देख रहे हो हेनरी ओवरटन विलियम्स इज नॉट गिवन इन योर बुक, योगेश चंद्रेश्वर, संजीव पुरी, लग्जरी होटल्स, नाम चेंज के बारे में, CSR एक्सीलेंस, एक्सपेंसिव चॉकलेट वाला पॉइंट, फेबेल ब्रांड नेम, वाटर स्टीवर्डशिप अवार्ड, अच्छे से इरीगेशन फैसिलिटीज मैनेज किया था इसीलिए, NTPC वी डिस्कस 1975, गुरदीप सिंह, इसका सब्सिडीज पढ़ लेना, गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला इसको, एवरी फोर्थ बल्ब इन द कंट्री इज लाइटेड अप बाई NTPC, हाँ ONGC और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हम लोग बोले थे, डायरेक्टली नोट से कर लेंगे, बहुत छोटा छोटा है, एकदम ईजी है, देख लो, उत्तराखंड ये भी गवर्नमेंट कंपनी 1956, शशि शंकर इसका चेयरमैन है, ठीक है, इसको महारत्ना का स्टेटस भी मिला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी रिसेंटली हुआ है, महारत्ना ऑफ द ईयर इन दलाल स्ट्रीट रोल ऑफ ऑनर, ठीक है, इट्स इन मुंबई, एंड दिस इंपॉर्टेंट, ग्लोबल एनर्जी अवार्ड मिला है फॉर CSR ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। पावर ग्रिड में क्या होगा, पावर जनरेशन करेगा, अच्छा श्रीकांत कांडीकुप्पा इसका करंट चेयरमैन का नाम है, फुल नेम है, बट इसको हम लोग एग्जाम में पूरा नाम की जगह मेरे को लगता है के श्रीकांत बोल के आएगा, तो लिख लो वहाँ के श्रीकांत भी इसका नाम। पावर ग्रिड दिल्ली गुरुग्राम गुरुगांव ट्रांसमिशन ऑफ टेलीकॉम, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पावर ग्रिड का सब्सिडरी पूछते हैं क्या है, द नेम इज POSOCO, ये रहा सब्सिडरी पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिस कैन कम, पावर ग्रिड का सब्सिडरी कंपनी क्या है, POSOCO, SBI का विजन माई कस्टमर फर्स्ट, मुंबई 1806 रजनीश कुमार, इंपीरियल बैंक टू SBI, यू कैन राइट हियर बैंक ऑफ कैलकटा, देन योर बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास गॉट कन्वर्टेड इनटू इंपीरियल बैंक एंड देन इंपीरियल बैंक गॉट कन्वर्टेड इनटू SBI। माय कस्टमर फर्स्ट बोले थे 5 एसोसिएट बैंक, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, ट्रेवनकोर, केंद्रीय महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक, साउथ कोरिया में खोला अपना ब्रांच, दैट्स इट। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर नोट्स, वेरी इजी, दो तो हम लोग यहाँ जो मार्किंग की, ONGC, PGCIL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, POSOCO किसका सब्सिडी कंपनी है, पावर ग्रिड का, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है चेयरमैन ऑफ ONGC क्या नाम है, शशि शंकर, और पावर ग्रिड का चेयरमैन का नाम क्या है, के श्रीकांत, ठीक है, दैट्स इट, और दलाल स्ट्रीट रोल ऑनर में किसको महारत्ना का स्टेटस अवार्ड किया गया, ONGC, बस हो गया, दैट्स इट। चलो अब हम लोग फटाफट एक बार MCQs पे नजर दोहरा लें, ओके, यू विल फाइंड इट रियली वेरी इजी, व्हेन यू लुक एट द MCQs नाउ यू विल फाइंड इट रियली वेरी इजी। चलो एकदम, मतलब अगर देख के अगर नहीं आंसर आ रहा है तो मेरा नाम बदल देना, बहुत इजी MCQ। चलो, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक, फटाफट बोलो, वेरी गुड दीपक एसवारे, रिलायंस इंडस्ट्रीज इनकॉर्पोरेटेड कब हुआ था,
1966, केयरिंग फॉर लाइफ। आज ही हम पूछ रहे थे किसका स्लोगन है, सिप्ला का। कौन सा गैस कंपनी इंडिया का लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क ओन करता है, गैस नाम से गेल इंडिया लिमिटेड। आईटीसी का हेड ऑफिस कहाँ पे है, आज ही डिस्कस हुआ है, कोलकाता। एसबीआई वॉज फॉर्मली नोन एज इंपीरियल बैंक, ये लोग तो मर्ज करके बनाया था ना इंपीरियल बैंक। जयेश मर्चेंट किस कंपनी का सीएफओ है, ये तीनों कंपनी तो पढ़ाया भी नहीं है तो ऑब्वियसली तुम लोग समझ जाओगे एशियन पेंट्स का ही है। विप्रो किस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, विच इंडस्ट्रियल कैटेगरी डज विप्रो लिमिटेड कम अंडर, बोले थे आईटी के लिए। कौन सा आईटी कंपनीज यूएसए में नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट यूएसए में, इंटेल भी यूएसए में, आईबीएम भी, एचसीएल। नेस्ले का बीवरेज पार्टनर कौन है, कोको कोला। वॉलमार्ट का हेडक्वार्टर कहां पे है, कैंसस यूएस। विप्रो का फाउंडर मोहम्मद प्रेम जी, अजीम प्रेम जी तो उसका करंट चेयरमैन है ना। टेक्सटाइल ब्रांड कब लॉन्च हुआ था, 1975। किसका है, विमल ब्रांड, फटाफट बोलो किस कंपनी का है। वेरी गुड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन टेल मी, सत्या नदेला। डू यू रिमेंबर टिम कुक किसका क्या था, टिम कुक एप्पल का था, चेयरमैन था, वेरी गुड। आईटी कंपनी एक्वायर्ड बीट इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू शो यू। बीट इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अभी करंट मैट में नहीं दिया हुआ है बट मेरे जो नोट्स है उसमें पूरा मेंशन किया हुआ है बीट इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्विजिशन है एप्पल का, बट दे हैव नॉट गिवन इन योर इंस्टीट्यूट का मैट बट इन द क्वेश्चंस दे हैव गिवन यू। सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, कितना बार इंस्टीट्यूट के मैट से दे एलिमिनेट द थिंग्स, ऑल्दो दैट वाज इन द प्रीवियस टर्म्स इंस्टीट्यूट मैट, बट रिसेंटली बिकॉज ऑफ सर्टेन अमेंडमेंट्स दे हैव एलिमिनेटेड द ओल्ड डेटा, बट स्टिल यू हैव टू स्टिक टू सर्टेन ओल्ड डेटा दैट आर इंपॉर्टेंट इन माई आईज एंड आई हैव गिवन देम इन द नोट्स। तो बहुत सारे बच्चे जिन लोग मेरा क्लास नहीं करे उन लोग को शायद आंसर नहीं आए क्योंकि इंस्टीट्यूट के मैट में भी नहीं दिया हुआ है बट मेरे नोट्स में है, इसका आंसर बताओ। एप्पल, पेजैप ऐप आज ही हम लोग डिस्कस किए हैं। एचडीएफसी प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, बजाज का राहुल बजाज। बजाज का कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, हम लोग किए थे ना एवेंजर, स्प्लेंडर, सिटी 100, डिस्कवर, कौन सा नहीं था, स्प्लेंडर। कौन सा सब्सिडरी है गेल का, गेल का तीन सब्सिडरी था बताओ, गेल गैस, गेल सिंगापुर और एक ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर्स। तो देख लो कितना इजी इजी क्वेश्चन है, कर लोगे सारा मैनेज। फर्स्ट रैंक फॉर्च्यून में किसका है, वॉलमार्ट का, ठीक है। प्रेजेंट सीएफओ कौन है, अदानी का, दीपक माहेश्वरी। डुइश बैंक कब आया था, डॉच बैंक 1870, ठीक है। ये सब इजी है, कर लेना अपने आप, देख लो। और एक 31 में आओ, स्टेशनरी प्रोडक्ट आईटीसी का क्लासमेट। एलएनटी का हेड ऑफिस कहां पे है, हम नहीं बताएंगे, कर लो अपने आप। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, माई कस्टमर फर्स्ट इज द विजन ऑफ विच बैंक, एसबीआई। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो, ये हम मार्क भी करा है इन्फोसिस का, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है कौन सा है बताओ, ये चारों हम लोग पढ़े हैं, फिनाकल, ठीक है। अच्छा याद है हम लोग एनटीपीसी का, नेशनल थर्मल का हम सब्सिडीज बता रहे थे, बिजली से रिलेटेड है, विद्युत, रेल बिजली था, पटरटू भी था, कलिंगा नहीं था, तो पूछा नॉट अ सब्सिडरी तो कलिंगा, ठीक है, दैट्स इट। सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर नंबर 3, दैट वॉज रियली वेरी वास्ट चैप्टर, कितना पेजेस का था देख लो, 61 पेजेस था इंस्टीट्यूट के मैट में, बट हम लोग अपने नोट्स के जरिए इसको वेरी क्विकली कवर किए हैं। हार्डली जो मेरा नोट्स है अप्रॉक्सीमेटली 4-5 पेजेस का है, तो अगर उसको थॉरली आप पढ़ लोगे ट्रस्ट मी आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा और एग्जाम में ये चैप्टर रिविजन करने के लिए भी बहुत ईजी रहेगा मेरा नोट्स से, ठीक है। और आप देख रहे हो मेरा नोट्स पढ़ने के बाद आप ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, सो दैट इज अ प्रूफ ऑफ की एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन माई नोट्स, इनफैक्ट एक्स्ट्रा थिंग्स हैव बीन कवर्ड इन माई नोट्स दैट इज नॉट गिवन इन योर इंस्टीट्यूट मैट बट इट इज स्टिल रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 3। इन ऑर्डर टू शो योर लव एंड अफेक्शन प्लीज गिव मोर लाइक्स टू माई वीडियो, जितना हो मेरा वीडियो को शेयर करो एंड डू टेक द एडमिशन एट द अर्लीएस्ट फॉर आर लाइव क्लासेज दैट आर गोइंग टू कमेंस फ्रॉम मंडे, ठीक है। अपना लव दिखाओ मेरे प्रति। और सेकेंडली अब से जो मंडे से जो क्लासेस होगा इकोनॉमिक्स का जो कि मैं लेने वाली हूँ वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स लोग के लिए जो कि यहाँ पे एमईपीएल में एनरोल करा चुके हैं, ठीक है। तो अभी नहीं कराया हो तो जल्दी करा लो क्योंकि नो फर्दर ओपन लाइव सेशंस यू आर गोइंग टू कंडक्ट। ये सारे लाइव सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट थे, सबके लिए अवेलेबल थे, बट आगे वाला जो क्लासेस होने वाला है इकोनॉमिक्स का वो सबके लिए नहीं होने वाला है। तो मंडे को जो हम लोग का लाइव इकोनॉमिक्स बैच स्टार्ट होने वाला है उसमें हम लोग डिमांड पढ़ेंगे, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है।
सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन मंडे लाइव वी आर गोइंग टू मीट ऑन मंडे तो चलो फ्रेंड्स नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर लीव स्टे सेफ स्टे वेल बाय बाय थैंक यू